वन सेकेंड गाइस, यस एवरीवन गॉट द नोटिफिकेशंस, कम फर्स्ट गाइस, चैट में बस एवरीवन गॉट द नोटिफिकेशन, चैट में बस ना एक बार लिख देना, पता चल जाए कौन कौन है हमारे साथ लाइव। लाइव आ गए भाई साहब, हम वेटिंग फॉर अ कनेक्शन, वेटिंग फॉर अ कनेक्शन, क्या हो रहा है? सबको नोटिफिकेशन गया? अरे मेरे इस वाले नंबर पे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। वन सेकेंड ना गाइस, आज पता नहीं क्यों, ओह अच्छा मेरा आईपैड वाईफाई से नहीं कनेक्टेड था, दैट्स वाई। मैं वही बोल रहा हूँ, कब से ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा कौन कौन आ गया, युविका आ गई, गुड इवनिंग युविका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग धीरज, अरे थैंक यू यू आर वेटिंग फॉर मी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। युविका एक बार ना व्हाट्सएप एंड दोनों ग्रुप में जाके इन्फॉर्म कर दो सबको। हैप्पी इवनिंग नेहा, नो लेटर, अभी नहीं इंस्टॉल करना है कुछ भी। सो लेट अस स्टार्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग संध्या, हेलो सुयश, यूट्यूब, यूट्यूब का सिंबल किसने बनाया सुयश आपने? आज आ जाए दो सबको ग्रुप में जाके बता दो, लेट एवरीवन बी नोटिफाइड के दैट वी आर लाइव। आ जाओ यार फटाफट, आज हम लोग पूरा बीजेटी फिनिश कर देंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है और प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ग्रुप में बता देना कि दैट वी आर डूइंग बीजेटी, वैसे तो सबको भेजा ही था बट फिर भी पता नहीं क्यों लोग आते नहीं हैं। अब तो मैंने सेशंस भी कम कर दिए हैं, सो इन टुडे सेशन वी आर गोना कंप्लीट बीजेटी। ओके पूरा बीजेटी आज फिनिश हो जाएगा, क्योंकि जितना जैम और जेस सिलेबस में है उतना हम लोग पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए वी आर नॉट हियर, यू कैन गो एंड फॉलो एनी वंस वीडियो, बहुत सारे लोगों ने बीजेटी के ऊपर वीडियो बना रखी है। सो वी आर गोना ओनली डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट्स और दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी जो हम लोगों को सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। ओके तबीयत ठीक है सुयश? तबीयत अभी तो ठीक है, बहुत हद तक ठीक है। गुड इवनिंग रोहन, गुड इवनिंग, आ जाओ यार फटाफट आ जाओ सब लोग, लोग लेट क्यों करते हैं? मैं 5 को नहीं रखता, 5:10 को इसलिए रखता हूँ ना, बिकॉज फैमिली के साथ इवनिंग टी टाइम होता है, वो मैं नहीं मिस करना चाहता है, मैं उसको घाई घाई में नहीं करना चाहता, दैट्स वाई। इस वजह से मैं 5 को नहीं, 5:10 को आता हूँ लाइव। ठीक है ठीक है ठीक है धीरज, वेरी गुड। फॉलो देखो किसी को भी करो, धीरज ने, धीरज मतलब मेरा फ्रेंड है, हम लोग रूम ही रह चुके हैं दिल्ली में, हम लोग एक साथ एक रूम में रहते थे, एक रूम में रहते थे मतलब पीजी में हम लोग रूम शेयर करते थे, ठीक है, 4 लोग रहते थे, 4-सीटर था। विकास गुड इवनिंग, आदर्श गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदर्श, गुड इवनिंग गौरव, हेलो। चलो बट हाँ, आपको फॉलो उन लोगों को करना चाहिए जिनका जो वे है, आप जिस वे पे जाना चाहते हो वो लोग उस वे पर हैं, या दे हैव सम पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट वे। ठीक है, आप कोई भी चीज़, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उन लोगों को फॉलो करो, उन लोगों का फ्रेंड सर्कल बनाओ जो या तो अपने पास्ट लाइफ में उस चीज़ के लिए सीरियस रह चुके हैं, उन्होंने उसके ऊपर काम किया हुआ है, या जो अभी कंटिन्यूटी में है। गुड इवनिंग तितली, अरे वाह गुड इवनिंग, आपका नाम तितली है कुछ और है? सो लेट अस स्टार्ट, टुडेज सेशन विल बी ऑफ बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स बहुत टाइप के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल FET आपने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, बट वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। इन आर सिलेबस वी ओनली हैव बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर।
सो बाइपोलर मीन्स इट हैज़ मेजर एंड माइनर माइनॉरिटी कैरियर्स, मेजर एंड माइनॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट होता है। थियरी में नहीं बताने वाला, यू कैन गो एंड रीड एनी बुक, वहाँ पे बहुत सारी थियरीज है बीजेटी के ऊपर। जंक्शन मीन्स इट हैज़ पीएन जंक्शन एंड ट्रांजिस्टर मीन्स हम लोग इसे एज एन एम्पलीफायर स्विच बहुत सारी तरीकों से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वी नो दैट बीजेटी हैज़ टू टाइप्स, एनपीएन एंड पीएनपी। हम लोग इसे या एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं या पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। हाउ इट मेड, ओके तितली ठीक है, हाउ इट्स मेड, इसे बनाया कैसे जाता है। देखो जनरल आप लोग देखोगे जो टेक्स्ट बुक होती हैं उनमें डायग्राम ऐसा होता है। वन सेकेंड है गाइस, जनरल टेक्स्ट बुक्स में डायग्राम ऐसे होते हैं दैट वी हैव एन पी एंड एन, दिस इज एन पी एंड दिस इज एन, एंड हियर गुड इवनिंग रितु गुड इवनिंग, हियर वी से दैट दिस इज एमिटर दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। एंड इन प्रैक्टिकल केस हम लोग उसे बनाते कहते हैं कैसे हैं, वी जस्ट मेक अ सैंडविच ऑफ पी इन बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, हम दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक पी सेमीकंडक्टर का सैंडविच बना देते हैं लाइक दिस, ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है। ओके अब इसमें कुछ स्पेशलिटी होती है, यहाँ पे जंक्शंस दोनों साइड क्रिएट होते हैं, यहाँ पे भी जंक्शन क्रिएट होता है, यहाँ पे भी जंक्शन क्रिएट होता है, दोनों साइड जंक्शंस क्रिएट होते हैं, बट इन तीनों में हम लोग यहाँ पे देखो कनेक्शंस दिए हुए हैं, इन कनेक्शंस को एमिटर बेस एंड कलेक्टर बोला गया है। देर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन दिस टू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये दोनों एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में कुछ डिफरेंस है। जैसे सबसे पहला डिफरेंस है डोपिंग का, एज वी नो कि आपका जो एन टाइप या एमिटर के टाइप का एमिटर के साइड का जो सेमीकंडक्टर होता है इट इज़ हैविली डोप्ड, ये बहुत हैविली डोप्ड होता है। ओके और कलेक्टर के साइड का जो कंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, बहुत लाइट डोप्ड होता है, इट इज़ लाइटली डोप्ड बट मोर देन बेस। डोपिंग जो होती है आई एम श्योर आप लोग को पता होगा डोपिंग क्या होता है, हम लोग जो इम्प्योरिटी उसमें मिक्स करते हैं 1:10^8, ये जनरल डायोड्स के लिए पीएन डायोड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दिस काइंड ऑफ डोपिंग। सो जो एमिटर में हम जिस साइड एमिटर के साइड में जिस सेमीकंडक्टर को हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत हैविली डोप्ड होता है। और उसके बाद कंडक्टर कलेक्टर की बात आती है कि कलेक्टर का जो डोपिंग होता है वो आपके एमिटर से कम होता है, और सबसे कम डोपिंग किसकी होती है, बेस की। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ डोपिंग वी हैव लेट अस कंसीडर, डोपिंग को मैं एन से शो कर रहा हूँ, द डोपिंग ऑफ एमिटर इज़ वेरी ग्रेटर दैन डोपिंग ऑफ कलेक्टर एंड इट इज़ ग्रेटर दैन डोपिंग ऑफ बेस। ओके यहाँ पे बेस की जो डोपिंग होती है वो सबसे कम होती है। और क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया हियर यू कैन सी, यहाँ पे जो एरिया है बहुत ज़्यादा किसका दिख रहा है, कलेक्टर का दिख रहा है, उसके बाद एमिटर का दिख रहा है, और उसके बाद लास्ट में किसका दिख रहा है, बेस का। सो हियर वी कैन से दैट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर दैन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एमिटर एंड दिस बोथ आर ग्रेटर दैन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बेस। वी नो दैट कि यहाँ पे बेस जो होता है बहुत थिन होता है, आप लोग ने थियरी में पढ़ा होगा, 11th-12th में ही था ये टॉपिक। सो द बेस हैज़ वेरी थिन क्रॉस सेक्शन एरिया बिकॉज ऑफ वॉट, आप जब इसे एक्टिव रीजन या किसी रीजन में यूज़ करते हो तो बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिटर से पास होके जाता है बेस में, एंड बिकॉज ऑफ बेस इज थिन बहुत सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाता है, कलेक्टर में आ जाता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कलेक्टर, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स है उसे कलेक्ट कर लेता है। ओके नाउ वी नो दैट कि आपका जो बीजेटी है मतलब ट्रांजिस्टर जो है इट कैन बी ऑपरेटेड एज अ स्विच, इट कैन बी ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, बहुत सारी रीजन्स में हम लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं, बट हियर फॉर दिस टाइम बींग हम लोग सिर्फ एक्टिव रीजन्स की बात करेंगे। ओके अगर क्वेश्चन में कभी सैचुरेशन रीजन वगैरह कुछ आया तो उसे पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ईजी सा डिफ्रेंसिएशन है दोनों की, सैचुरेशन रीजन में कब वर्क करता है, एक्टिव रीजन या कट ऑफ रीजन में कब वर्क करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग हल्का हल्का बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। सिंपली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो हमारे पास दो ट्रांजिस्टर है एज वी नो दैट एनपीएन एंड पीएनपी। सो सिंपली फॉर एन एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में इसको क्या बोलते हैं, बीजेटी को यूज़ करने के लिए विच इज़ कॉमनली यूज इन एक्टिव रीजन, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पीएन जंक्शन होगा, पीएन जंक्शन होगा उसे हम लोग हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखेंगे। कैसे रखेंगे, हमेशा फॉरवर्ड बायस में। ओके यहाँ पे देखो NPN, सो इफ़ आई जस्ट नेम दिस कलेक्टर एज N, बेस एज P एंड दिस इज एज N,
सो ये क्या हो गया, NPN ट्रांजिस्टर हो गया। सिमिलरली PNP का क्या हो जाएगा, दिस कलेक्टर हैज़ पी टर्मिनल, इट इज़ एन टर्मिनल एंड इट इज़ पी टर्मिनल। तो मैंने अभी क्या बोला, टू मेक इट वर्क इन एक्टिव रीजन व्हाट वी नीड दिस PN जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस। हमें PN जंक्शन कैसा चाहिए, फॉरवर्ड बायस में चाहिए। तो हमारा जो करंट फ्लो होगा वो P2N होगा। सो NPN ट्रांजिस्टर में जो करंट होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, P2N। सो हम लोग यहाँ पे जो नीचे वाला जंक्शन है B, इसे हम बोलते हैं BE जंक्शन, ओके, मीन्स बेस एमिटर जंक्शन। इस बेस एमिटर जंक्शन में करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, P2N। सो फॉर NPN ट्रांजिस्टर द सिंबल ऑफ करंट विल बी लाइक दिस आउटवर्ड डायरेक्शन। एंड फॉर NPN PNP ट्रांजिस्टर हम लोग का देखो, हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो करंट होना चाहिए वो हमेशा कैसा जाना चाहिए, P2N। सो फॉर PNP ट्रांजिस्टर इन बेस एमिटर जंक्शन द करंट डायरेक्शन विल बी हियर इनवर्ड। हमें करंट का डायरेक्शन कैसा दिखेगा, इनवर्ड दिखेगा। सो दिस इज द बेसिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे, इन दैट ऑल केसेस आई गेस आपको हमेशा NPN ट्रांजिस्टर ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस 95% चांसेस होता है कि NPN ट्रांजिस्टर पे ही क्वेश्चन आता है, बट सम टाइम कभी कभार PNP ट्रांजिस्टर पे आ जाता है। यू जस्ट रिमेंबर कि इन NPN ट्रांजिस्टर द करंट विल गो आउटसाइड टू द एमिटर जंक्शन, एंड इन PNP ट्रांजिस्टर हम क्या बोल सकते हैं, करंट गोज इन इनसाइड फ्रॉम द एमिटर जंक्शन। आपको बस इतना बताना है, ओके चलो। नाउ व्हाट द एरो रिप्रेजेंट, द एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन इनपुट जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस। ये जो बी और ई जंक्शन होता है ना, बेस एमिटर जंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जंक्शन। क्या बोलते हैं, इनपुट जंक्शन। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आप लोग को बता दिया कि एरो का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, हमें कैसे रिमेंबर करना है कि हमेशा जो करंट होना चाहिए या आपका जो बेस एमिटर जंक्शन होना चाहिए, कौन सा जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। सो रिप्रेजेंटिंग दैट फॉरवर्ड बायस, यू कैन इमेजिन कि आपका जो करंट का डायरेक्शन है कैसे होगा इन बोथ ऑफ द केसेस, NPN एंड PNP। सो लेट अस मूव अहेड। अब हम लोग कन्वेंशन पढ़ते हैं BJT के लिए, NPN और PNP दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर्स के लिए डिफरेंट KVL, मीन्स हाउ वी अप्लाई KVL इनपुट एंड आउटपुट के लिए। सो वेन एवर वी टेक बेस एंड एमिटर इन आर कंसिडरेशन, हम इसे बोलते हैं इनपुट जंक्शन। क्या बोलते हैं, इनपुट जंक्शन। और जब हम लोग कलेक्टर और एमिटर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट जंक्शन। ये हमेशा याद रखना, जब भी हमारा कलेक्टर एमिटर जंक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, एंड दिस इज़ कॉल्ड बेस एमिटर इज़ कॉल्ड इनपुट ऑफ द BJT और ट्रांजिस्टर whatever। सो हियर वी हैव NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। तो हमारा जो NPN है इसका सिंबल करंट का इधर आएगा डाउनवर्ड की तरफ, और एमिटर से करंट का डायरेक्शन आएगा अपवर्ड की तरफ फॉर PNP ट्रांजिस्टर। नाउ फॉर वर्किंग एन एक्टिव एंड सैचुरेशन रीजन और सैचुरेशन रीजन, वी कैन से हमारा जो BE जंक्शन होना चाहिए यानी बेस एमिटर जंक्शन, दैट शुड बी ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस। एंड जो हमारा CB जंक्शन होना चाहिए यानी आपका कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायस। नाउ टू मेक दैट पॉसिबल, हाउ कैन वी डू दैट, हम लोग देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग को आपका बेस जो है फॉरवर्ड बायस में करना है, फॉर NPN ट्रांजिस्टर हम लोग बात कर रहे हैं अभी, सो व्हाट वी कैन डू, हियर वी नो दैट दिस इज माय एन टर्मिनल, दिस इज पी टर्मिनल, दिस इज एन टर्मिनल। तो हमें इस पी टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा, मोर पॉजिटिव करना पड़ेगा कंपेयर टू एन के। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई कैन डू दैट बाय जस्ट, मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहा हूँ एंड आई एम कनेक्टिंग सम पॉजिटिव टर्मिनल हियर टू द पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द ई साइड। तो यहाँ पे देखो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो BE जंक्शन है, दिस माय BE जंक्शन इज़ इन फॉरवर्ड बायस। नाउ टू मेक CB जंक्शन, अब हमको क्या करना है, CB जंक्शन को रिवर्स बायस में करना है। तो यहाँ पे देखो N है और यहाँ पे P है, सो वी नो दैट कि हम लोग को अगर रिवर्स बायस करना होगा तो हमारा जो पोटेंशियल होना चाहिए N टर्मिनल पे, दैट शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट P टर्मिनल। इट इज़ द बेसिक थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन केस ऑफ डायोड्स। सो यहाँ पे भी ये दो डायोड को हम लोग सैंडविच बना रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन से, टू मेक CB इन अ रिवर्स बायस, द पोटेंशियल एट C टर्मिनल शुड बी वेरी हाई कंपेयर टू P टर्मिनल। सो मैं इसको क्या करूँगा, देखो व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट कैन अटैच माय C टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल, एंड हियर वी आर कंसिडरिंग अ रेजिस्टेंस जो किसी भी कंडक्टिंग वायर का हो सकता है, वेरी स्मॉल और वेरी हाई,
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कनेक्टिंग इट विथ वेरी हाई पोटेंशियल बैटरी। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, बहुत ही हाई पोटेंशियल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। दिस इज़ द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, और इसको हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ये कैसा हो जाता है, दिस इज़ ग्राउंडेड। सो यहाँ पे अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इन दोनों की बात करें कि हाउ कैन वी मेक इट पॉसिबल दैट बी जंक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड बायस और आपका CV जंक्शन शुड बी इन रिवर्स बायस। सो यूजिंग दिस कनेक्शंस वी कैन डू दैट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी कैन से दैट माई कलेक्टर टर्मिनल, हमारा जो कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज है, इट इज़ वेरी ग्रेटर दैन वोल्टेज एट बेस टर्मिनल, एंड दैट्स वाई वी कैन से कि ये जो आपका CV जंक्शन है वो अब कैसा हो गया, दैट्स इन रिवर्स बायस। सो दिस इज़ वॉट वी कैन डू टू मेक CV इन रिवर्स बायस कंपेयर टू BE। ओके, यहाँ पे हमारा जो जनरल डायग्राम था उसे मैं अब ऐसे रखता हूँ। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड गाइज, क्या था इसमें, एक कोई तो टॉपिक था। चलो हाँ, ये KVL फॉर BJT। नाउ अभी हम लोग ने क्या देखा कि मैंने यहाँ पे बेस को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और एमिटर को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, और ग्राउंडेड से मैंने क्या किया, कलेक्टर को भी पॉजिटिव से अटैच कर दिया, ठीक है, और एमिटर को नीचे नेगेटिव से अटैच कर दिया। बट फॉर दिस टाइम बींग मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, फॉर दिस टाइम बींग यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ, कि मेरा जो कनेक्शन है C और B का वो ऐसा है, पॉजिटिव नेगेटिव। Why? Because it should be in a reverse bias. तो इसलिए मैं इसे ऐसे शो कर रहा हूँ, ओके। और राइट हैंड साइड, ये तो हो गया इनपुट साइड, जो लेफ्ट वर्ड है आपके इस लाइन का, जो लेफ्ट वर्ड है ये हो गया पूरा इनपुट साइड, और राइट वर्ड क्या हो गया आपका, आउटपुट साइड हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरा जो कलेक्टर था उस कलेक्टर को मैंने एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट करके ग्राउंडेड किया हुआ था, सो आई कैन से दैट माई कलेक्टर विल बी इन पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव वोल्टेज, और मेरा जो एमिटर होगा वो क्या होगा, कुछ नेगेटिव वोल्टेज पर होगा। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड, इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VCB। क्या बोलते हैं हम लोग, VCB। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड VBE एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड VCE, ठीक है। इसका मतलब वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर बेस, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन बेस एमिटर, क्योंकि ये पूरे के पूरे कैसे हैं, डायोड्स हैं, दो डायोड्स हैं, PNPN डायोड्स, एंड दिस होल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, इट इज़ कॉल्ड VCE, ठीक है। सो KVL यहाँ पे अगर हम लोग को लगाना पड़ा तो हम क्या लिखेंगे, अगर दिस इज़ माई क्लोज सर्किट, सो आई कैन राइट VCB प्लस VBE इक्वल्स टू VCE। इसको रिमेंबर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डायग्राम देखकर ही इसे बता सकते हो, दिस इज़ नॉट वेयर यू कैन रिमेंबर दिस, आपको रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में मैंने दोनों के दोनों को ऐड कर दिया और इक्वेट कर दिया राइट साइड से। आप इसे एज अ क्लोज सर्किट मान के KVL लगा के सॉल्व भी कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, ओके। सो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि फॉर वर्किंग इन एक्टिव एंड सैचुरेशन रीजन वी हैव टू मेक BE इन फॉरवर्ड बायस एंड CB इन रिवर्स बायस। सो लेट्स मूव अहेड। अरे वन सेकेंड गाइस, व्हाट हैपनिंग है, वन सेकेंड ना गाइस, क्रैश क्यों हो रहा है ये। चलो सो अब हम लोग KVL पढ़ेंगे BJT के लिए, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। यहाँ पे सॉरी, एक्चुअली हम लोग ने KVL तो पीछे कर लिया ना, यहाँ पे हम लोग ने KVL तो पढ़ लिया, KVL फॉर BJT। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई हैव टू डू KCL, ओके। हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, KCL करना है यहाँ पे। V क्या करना है, रफ कर देना आप लोग, जस्ट राइट हियर KCL। अरे यार पेन नहीं वर्क कर रहा है गाइस, इसका भी अंतिम दिन आने वाला है बहुत जल्दी। नाउ KCL फॉर BJT। अब हम लोग को KCL कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। नाउ वी नो दैट फॉर NPN ट्रांजिस्टर हमारा जो करंट होता है, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट, एमिटर करंट का डायरेक्शन ये होता है, दिस इज़ माई एमिटर करंट डायरेक्शन, ओके। यहाँ पे हम बेस करंट को ऐसे शो करते हैं इनवर्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बेस के आउटवर्ड जाते हैं, जैसा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है, एंड सिमिलरली फॉर IC विच इज़ कॉल्ड कलेक्टर करंट। सो दिस इज़ माई बेस करंट, दिस इज़ माई कलेक्टर करंट, दिस इज़ माई एमिटर करंट।
सिमिलरली फॉर PNP ट्रांजिस्टर हमारा एमिटर करंट इनवर्ड की तरफ होता है, दिस इज़ माई एमिटर करंट, और हमारा बेस करंट कैसा होता है, आउटवर्ड की तरफ होता है। हम लोग जो कनेक्शंस होते हैं उसे स्वैप कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपके करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस इज़ माई IC। नाउ व्हाट आई कैन से, इफ़ दिस सर्कल इज़ माई जंक्शन, ये सर्कल में अगर मैं एक जंक्शन पॉइंट कंसिडर करूँ, सो आई कैन राइट दिस दैट इंक्लूडिंग माई कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, अगर मैं कलेक्टर करंट और बेस करंट को ऐड करूँ, सो अकॉर्डिंग टू KCL दैट शुड बी इक्वल्स टू एमिटर करंट। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से दैट कि आपका कलेक्टर करंट और बेस करंट इनवर्ड आ रहा है और आउटवर्ड क्या जा रहा है, एमिटर करंट। इन बोथ ऑफ द डायग्राम यू कैन से कि यहाँ पे भी आपका कलेक्टर करंट सॉरी एमिटर करंट इनवर्ड आ रहा है और वो कितने में डिवाइड हो जा रहा है, दो करंट में, बेस एंड कलेक्टर। सो वी कैन जस्ट राइट दिस इक्वेशन यूजिंग KCL इन बोथ ऑफ द केसेज, NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर बोथ। कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताओ। ये सब बेसिक है, ये सारी चीज़ें बेसिक है, बस हाँ याद रखना, अगर आपको KVL कैसे लगाने आता है, अगर आपको KVL कैसे लगाने आ गया, तो आप लोग के लिए BJT कुछ नहीं है। हम BJT को विथ ओपैम्प, पता नहीं आज हम लोग मैंने क्वेश्चन डाला ही कि नहीं, बट डायोड का डाला हुआ है, तो BJT का नॉर्मल क्वेश्चंस भी करेंगे, BJT विथ डायोड, BJT विथ ओपैम्प, सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे। बट फॉर दैट यू मस्ट नो हाउ टू यूज़ KVL एंड KCL इन डिफरेंट केसेस। चलो आगे बढ़े, रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है आज, पता नहीं क्यों, या पता नहीं मेरे लोगों को मेरी आवाज़ बहुत लेट पहुंच रही है क्या, आई गेस बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नो दैट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और बायसिंग इन आर BJT। हम लोग कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, ये तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिसमें से कॉमन एमिटर अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीछे इस पेज पे मैंने आप लोग को शो किया था, इन दिस पेज मैंने जिस तरीके से कनेक्शन शो कर दिया था वहाँ पे हम लोग ने देखा था कि कैसे कॉमन एमिटर मीन्स आपका जो एमिटर होगा ना वो उसका एक कॉमन टर्मिनल बेस और कलेक्टर दोनों से कनेक्टेड होगा, बस इतना याद रखना। सो नाउ मैं डायरेक्ट गेन की बात करता हूँ इन कॉमन, और मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे हम लोग ये सारे फॉर्मूले याद रखेंगे, इट इज़ वेरी इजी। कॉमन एमिटर गेन इज सिंपली गेन है, सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू थिंग्स। अब यहाँ पे हम लोग करंट का रेशियो लेते हैं, और जैसे ओपैम में हम लोग पोटेंशियल का रेशियो ले रहे थे, बट BJT में हम करंट का रेशियो लेते हैं, इट इज़ अ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, दैट्स वाई। नाउ कॉमन एमिटर गेन इज़ कॉल्ड बीटा एंड इट इज़ गिवन बाई IC बाय IB, एंड वी नो दैट IB इज़ वेरी लेस, IB बहुत स्मॉल होता है, IB हम बोल सकते हैं इन सम ऑफ द केसेस, जब आप लोग को हम लोग वो केसेस भी पढ़ेंगे, इन सम ऑफ द केसेस व्हेन IB टेंड्स टू वेरी टेंड्स टू जीरो, आपका बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी भी हो जाता है, और वी कैन ऑल्सो से दैट IB इज़ वेरी स्मॉल एज वी नो, जब IB बहुत स्मॉल है तो बीटा जनरल सी बात है बहुत ज़्यादा बिगर होगा, दैट्स वाई बीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। यहाँ पे कॉमन बेस गेन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा, और यहाँ पे हम उसे IC बाय IE कर से, देखो जहाँ पे एक एक चीज़ आप देखोगे, अगर यहाँ पे कॉमन एमिटर गेन है तो यहाँ पे हमने एमिटर करंट नहीं इंक्लूड किया है, कॉमन बेस गेन है तो यहाँ पे हमने बेस करंट नहीं इंक्लूड किया है, कॉमन कलेक्टर है तो यहाँ पे हमने कलेक्टर करंट इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे वी हैव डिफरेंट गेन्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये बहुत यूज़फुल होते हैं वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू BJT, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बता दिया है, इनका रेंज भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, यू कैन जस्ट सी इट। अब इसको मैं सिंपल एक तरीका बताता हूँ जो मैंने खुद से फॉलो किया था, मतलब किसी टीचर कहीं बुक वुक में नहीं दिया था, मतलब पढ़ते पढ़ते मैंने खुद से बना लिया था। वो कैसा था देखो, ट्रिक टू रिमेंबर ऑल गेन फॉर्मूला, जितना भी हमने गेन पढ़ा है, एंड वी नो दैट कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये तीन गेन होते हैं। अब आप लोग ने ICICI बैंक का नाम सुना होगा, ICICI, यहाँ पे देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ICICI हम लोग के प्रोनंसिएशन में ही आ जा रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू राइट ICICI, हम लोग के प्रोनंसिएशन में ही आ जा रहा है, वो हो गया। दो बार कलेक्टर हुआ, दो बार एमिटर भी होना चाहिए। यहाँ पे आप कैसे जा रहे हो, आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो, तो मैंने ICICI लिखा, अब डाउनवर्ड, एक बार ई था, सेकेंड बार मैंने ई यूज़ किया, दो बार कलेक्टर दो बार एमिटर हो गया, बचा क्या, दो बार बेस,
सो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला यूजिंग ICICI. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. ये ट्रिक मैंने निकाला था तो मैंने सोचा बता दूँ, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को बताया था तो उनको बहुत हेल्पफुल था ये. आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगी कभी. बस ICICI इतना याद रखो, अल्फा बीटा गामा, दैट्स इट. क्लियर है इसमें? कुछ है डाउट? और यहाँ पे एक चीज़ आप बता सकते हो, रिलेशन अल्फा बीटा गामा में डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हैं. ये लेस देन करते जाओ. अल्फा इज़ लेस देन बीटा, और वी कैन से वेरी लेस देन बीटा एंड इट इज़ लेस देन गामा. डायरेक्ट अब ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो. एंड यू कैन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ गेन फॉर ऑल द केसेस अल्फा बीटा और गामा. और आपको पता कैसे चलेगा कि ये अल्फा किसके लिए यूज़ हो रहा है? देखो यहाँ पे कलेक्टर एमिटर है तो ये हो जाएगा कॉमन बेस. बेस गायब है तो ये हो जाएगा कॉमन बेस. यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन एमिटर. और ये क्या हो जाएगा? कॉमन कलेक्टर. क्लियर? आगे बढ़े चलो. सो ये फॉर्मूलाज हैं, ये इतना रिमेंबर आप लोग को होना चाहिए. अब हम लोग अलग अलग बायसिंग सर्किट देखेंगे और उसमें हम लोग KVL KCL कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे. नाउ व्हेन वी स्टडी BJT बायसिंग, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो दैट BJT बायसिंग वी यूज़ DC सप्लाई. हम लोग हमेशा DC सप्लाई यूज़ करते हैं. नाउ फॉर DC सप्लाई व्हाट वी नो कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0. एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैं लिख रहा हूँ. वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2πf. सो इफ़ f इज़ 0 सो ओमेगा इज़ ऑल्सो 0. नाउ ओमेगा मैंने क्यों लिखा ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा. नाउ फॉर कैपेसिटर व्हाट वी से, इन केस ऑफ कैपेसिटर हम लोग उसका जो रिएक्टेंस या जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या लिखते हैं? 1 बाय ओमेगा C, यू नो. बट इन केस ऑफ DC सप्लाई ये कितना हो जाएगा? 1 बाय 0, मीन्स इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी हो गया इसका मतलब BJT में अगर आपको कहीं पे भी कैपेसिटर्स दिखेंगे तो आपको हमेशा ओपन सर्किट बना देना है. यानी जहाँ जहाँ आपके कैपेसिटर्स होंगे उन सबको एक नया आप सर्किट बनाओगे, उस सर्किट में जहाँ जहाँ कैपेसिटर है उसे ओपन कर दोगे. ठीक है, ओपन सर्किट बना लोगे. फॉर इंडक्टर व्हाट वी नो कि इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है इट इज़ गिवन बाय ओमेगा एल. इफ ओमेगा इज़ 0 देन दिस शुड बी ऑल्सो 0. और ये जब रेजिस्टेंस अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है? शॉर्ट सर्किट है. कैसा है? शॉर्ट सर्किट. सो इन केस ऑफ BJT व्हेन वी आर डीलिंग विद BJT और आपको वहाँ पे कोई भी इंडक्टर या कैपेसिटर दिख रहा है, सो यू मस्ट हैव टू डू दिस थिंग्स फर्स्ट. इफ देर इज़ अ कैपेसिटर वी हैव टू मेक इट ओपन सर्किट, इफ देर इज इंडक्टर वी हैव टू मेक इट शॉर्ट सर्किट. सिंपल, गॉट इट? अब यहाँ पे देखो DC सप्लाई क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज DC सप्लाई स्टेबलाइजेस सर्टेन DC पॉइंट, जिसको क्विसेंट पॉइंट बोलते हैं, क्यू पॉइंट. विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो, डोंट वरी. मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके बारे में, बहुत अच्छा टॉपिक है ये. इसके बारे में मैं एक सिंपल वीडियो बना दूंगा. और इसे याद रखने के लिए आप बोल सकते हो क्यू पॉइंट इज़ अ पॉइंट जहाँ पे हम लोग ICVC पॉइंट जो ये वैल्यूज़ है, कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ये कैलकुलेट करके एक ग्राफ वगैरह बनाते हैं. बहुत लेंदी नहीं मगर बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अपलोडेड किसी वीडियो में. ओके, नाउ फॉर दिस टाइमिंग यहाँ तक क्लियर हुआ तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. प्लीज़ मुझे चैट में बताओ इफ यू आर क्लियर विद अप टू दिस, देन विल मूव अहेड फास्ट. चलो मैं यहाँ बता ही देता हूँ. जो क्यू पॉइंट है ना, टू फाइंड आउट द क्यू पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, जिसको सर्टेन DC पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे आपका सर्किट स्टेबलाइज हो जाता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी जस्ट ड्रॉ कर्व ऑफ ऐसे वैसे. इसको मैंने याद किया था, ऐसे वैसे कर्व. देखो ऐसे वैसे, इट मीन्स IC वर्सेज VC. जब आप ग्राफ बनाओगे किसी BJT के लिए, इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, तो आपको किसी टाइप का इक्वेशन मिलेगा और वहाँ पे हम किसी एक सर्टेन पॉइंट को क्यू पॉइंट बोलते हैं. वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. अब देखो हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट बायसिंग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक बायसिंग आ जाता है. सो जो भी स्पेसिफिक बायसिंग है, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी स्पेसिफिक टाइप के सर्किट्स आए, स्पेसिफिक टाइप के जितने सर्किट्स आए वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड और रेजिस्टर बायस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड और रेजिस्टर बायस. यहाँ पे इनका कनेक्शन आप देख सकते हो. यहाँ पे प्लस VCC मतलब कलेक्टर की तरफ जो वोल्टेज है, एंड दिस इज़ कॉल्ड VBE द पोटेंशियल, वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर जंक्शन. और यहाँ पे मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं यूज़ किया है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में मैं रेजिस्टेंस भी यूज़ कर लूँगा. यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें क्यों रिप्रेजेंट की है? बिकॉज वी वॉन्ट टू नो हाउ टू यूज़ KVL इन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट. तो यहाँ पे देखो आई कैन से कि वी हैव VCC
यहाँ पे जो मैंने पोटेंशियल दिया हुआ है +10, +12, +5 कोई भी वोल्टेज हो सकता है ये, ओके। नाउ फॉर दिस टाइम बिंग वी आर जस्ट कंसिडरिंग इट +VCC। तो यहाँ पे जो +VCC है ये इस पॉइंट पे भी सेम पोटेंशियल होगा। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट नाउ रिमूव दिस पार्ट। मैं इस पार्ट को रिमूव करके, सॉरी गाइस, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना। मेरा RB था यहाँ पे, रेजिस्टेंस था विच इज़ बेस रेजिस्टेंस। अब इसी चीज़ को मैं +VCC यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, आई कैन डू दैट, क्योंकि दोनों टर्मिनल पे जो पोटेंशियल था सेम था। मैंने अब उस टर्मिनल को क्या कर दिया, अलग कर दिया, बस फॉर सिंप्लिसिटी मैंने डायग्राम को ये कर दिया, बोल सकते हो सेपरेट कर दिया, कि हम लोग को जो इक्वेशंस हम लोग यूज़ करेंगे KVL का, उसके लिए हमारे लिए ईजी हो जाए थोड़ा, फॉर आर कन्वीनियंस आई कैन डू दैट। क्योंकि दोनों के लिए सेम पोटेंशियल था, जो आपका इनपुट पोटेंशियल था, इनपुट वोल्टेज था, दोनों पॉइंट के लिए सेम था, दैट्स वाई आई हैव डन दैट, मैंने उसे सेपरेट कर लिया। कट इट, किसी को डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताना चैट में कि ये कैसे हुआ। हम लोग पहले भी कर चुके हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ऐसा कर लिया है। अब यहाँ पे देखो +VCC है, इट मीन्स वॉट, +VCC का मतलब क्या है, देखो +VCC मतलब एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है और इसका निगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है। वी कैन से दैट इसका निगेटिव टर्मिनल कैसा है, ग्राउंडेड है, क्लियर है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, +VCC। सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट हियर ऑल्सो, हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट RB इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ +VCC एंड निगेटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड। ये याद रखना, इसका मतलब ये होता है, नो कनेक्शन। वाईफाई कैसे बंद हो गया, नहीं बंद हुआ, सॉरी, मेरे मोबाइल में अचानक वाईफाई बंद हो गया, दैट्स व्हाई आई गॉट स्केयर्ड यार, इतना अच्छा लेक्चर चलते चलते अचानक। चलो, सो वी हैव सिंप्लीफाइड आर सर्किट, हमने सिंप्लीफाई कर दिया अपने सर्किट को। आपको ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, देखो अब बस ये देखो कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं अलग अलग कंडीशन में, क्योंकि वही यूज़ करके हम लोग KVL और KCL लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो इनपुट KVL, और मैंने क्या बताया था, हम लोग जो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो भी हमारा सर्किट होता है वो इनपुट होता है, और राइट साइड वाला जो सर्किट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो अब हम लोग इनपुट में KVL लगाएंगे और आउटपुट में सेपरेटली KVL लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे KVL लगाने के लिए व्हाट वी नीड अ क्लोज सर्किट। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ ग्राउंडेड एंड दिस इज़ ऑल्सो ग्राउंडेड। यहाँ पे +VB कोई पोटेंशियल क्रिएट होगा दो डायोड्स के बीच में, जिसको हम लोग कट इन वोल्टेज बोलते हैं, यू नो। यहाँ पे कट इन वोल्टेज फॉर सिलिकॉन वी नो दैट 0.7 होगा, एंड फॉर जर्मेनियम दिस इज़ 0.3। ये कट इन वोल्टेज है, यहाँ पे जो VB क्रिएट हो रहा है दिस इज़ कॉल्ड कट इन वोल्टेज, वी हैव स्टडीड इन डायोड सेपरेटली। सो इन सम ऑफ द क्वेश्चंस कभी कभी ये जो कट इन वोल्टेज होता है ये चेंज हो जाता है, हमें वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे व्हाट विल डू, यहाँ पे फॉर इनपुट KVL वी कैन से दैट दिस इज़ माय क्लोज सर्किट। यहाँ पे देखो क्लोज सर्किट है, ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्टेड है। सो व्हाट आई कैन डायरेक्टली राइट माय इनपुट KVL एज, मैं ये क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा हूँ, सो आई कैन राइट -VCC, बिकॉज निगेटिव टर्मिनल पहले पड़ेगा, दैट्स वाई -VCC प्लस। और हाँ, इट इज़ NPN ट्रांजिस्टर, तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि हमारा जो IB है वो इनवर्ड जाएगा। फॉर NPN ट्रांजिस्टर वी कैन शो IB विल बी इनवर्ड, और इसमें करंट IB है, और यहाँ पे करंट क्या हो सकता है, IC, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भले ही नहीं है मगर करंट तो होगा ना, एंड दैट करंट इज़ नोन एज IE। ये करंट क्या हो जाएगा, IE हो जाएगा। नाउ KVL हम लोग लगाते हैं इनपुट सर्किट में, व्हाट विल गेट, विल गेट -VCC प्लस IBRB प्लस VBE, एंड वी डोंट हैव एनीथिंग नाउ, सो वी कैन जस्ट डायरेक्टली राइट इट एज 0। सो आर इनपुट KVL वुड बी VBE प्लस IBRB। यहाँ पे हमको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हमको बस प्रैक्टिस में लाना है कि हम इनपुट और आउटपुट सर्किट्स में KVL कैसे लगाएंगे, बस वी जस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस वंस, ताकि हम लोग जब बाद में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस में तो मुझे बार बार बताना ना पड़े मैं कर क्या रहा हूँ। नाउ ऑन दी राइट हैंड साइड विच इज़ कॉल आउटपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट में आप देखो अगर मैं KVL लगाऊँ, सो वॉट आई कैन डू, आई एम जस्ट टेकिंग माई डायरेक्शन ऑफ IC। यहाँ पे देखो IC डाउनवर्ड है, IE भी डाउनवर्ड है, तो मैं ये डायरेक्शन ले लेता हूँ, देखो ये वाला डायरेक्शन ले लेता हूँ, ग्राउंड टू ग्राउंड, IE भी ग्राउंडेड है और IC से भी देखो VCC भी ग्राउंडेड है। सो वॉट आई कैन राइट -VCC प्लस ICRC। याद रखना मैं कुछ इसमें कर नहीं रहा हूँ, मैं जो सिंपली रिप्रेजेंटेशन है बस उसमें वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। प्लस VCE,
क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है व्हेन वी डू एंटी क्लॉकवाइज एंड प्लस नो नॉट प्लस क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो ये किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा सो इन आउटपुट साइड इन आउटपुट सर्किट व्हाट वी आर गेटिंग वीसीसी एज वन सेकेंड गाइज वीसीसी एज वीसीई प्लस आईसीआरसी हम लोग क्या मिल रहा है वीसीई प्लस आईसीआरसी सो दिस इज आर आउटपुट केवीएल द इक्वेशन ऑफ केवीएल फॉर आउटपुट सर्किट ओके क्लियर हुआ समझ में आया इतना क्लियर हुआ तो चलो ये वाले सर्किट का मुझे इनपुट और आउटपुट केवीएल लिख के बताओ फटाफट यहाँ पे वी नॉट को फॉर दिस टाइम बीइंग इग्नोर करो इसे अभी इग्नोर करो थोड़ी टाइम के लिए ठीक है आपका सेम सर्किट है जो हम लोग ने रेजिस्टेंस बायस अभी पीछे पढ़ा था वैसा ही सेम सर्किट है बस यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर कर लिया है एमिटर रेजिस्टेंस बस कुछ नहीं है इसमें मुझे इनपुट और आउटपुट केवीएल इसका फास्ट लिख के बताओ क्या आएगा टेल मी फास्ट व्हाट विल बी द इनपुट एंड आउटपुट केवीएल फॉर दिस सर्किट और हाँ गाइज आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो ठीक है मैं पता नहीं कितने लोग करते होंगे वीडियो देख के चले जाते होंगे या बाद में कभी रिवीजन करते होंगे बट प्लीज़ भले ही वी हैव अपलोडेड सम ऑफ दी सब्जेक्ट्स मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के अपने वेबसाइट पे पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए हुए हैं बट हमेशा याद रखना योर प्रिपेयर्ड नोट्स आर दी बेस्ट आप जो नोट्स प्रिपेयर करोगे वो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं तो प्लीज़ आप लोग मैं जो इसे पढ़ा रहा हूँ फॉर दिस टाइम बिंग आप मेरे साथ रहो बस फटाफट क्वेश्चंस करते जाओ और उसे एक सेपरेट बुक बना लो हर सब्जेक्ट की सेपरेट ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा बट प्लीज़ सेपरेट बुक्स बना लो ताकि अपने सेपरेट सेपरेट नोट्स आपके हर सब्जेक्ट के आपके पास होने चाहिए बिकॉज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर व्हेन यू एंटर इन अक्टूबर आप लोग को सब रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो देखने के लिए इतना टाइम नहीं होगा आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए उसको फटाफट रिवाइज करने के लिए प्लीज़ डू दैट अरे कोई बताओ यार इनपुट आउटपुट केवीएल क्या आ रहा है हियर ऑल्सो वॉट वी कैन डू सी एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम फॉर बोथ इस पॉइंट पे दोनों के लिए सेम पोटेंशियल है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वन सेकेंड है गाइस स्वेट के वजह से ना पेन इज नॉट वर्किंग फाइन चलो सो हियर व्हाट वी कैन से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दोनों पॉइंट के लिए सेम होगा सो अगेन व्हाट वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट दिस मैं इस सर्किट को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ मैंने यहाँ पे इसे आर भी कंसिडर कर लिया और ये क्या हो गया मेरा प्लस वी सी सी फिर याद रखना प्लस वी सी सी मतलब एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ कनेक्ट किया है निगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है सिमिलरली फॉर अबो ऑल्सो कलेक्टर साइड ऑल्सो नाउ दिस इज़ वेरी इजी इनपुट केवीएल व्हाट आई कैन राइट लेट मी कंसिडर दिस करंट एज आई बी ये करंट हमारा आई बी हो गया ये करंट हमारा आई सी हो गया सेम करंट आर सी से भी फ्लो हो रहा है और ये करंट हमारा क्या हो गया आई ई ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इनपुट यस आई ई आर ई हो जाएगा दोनों में क्या हो जाएगा आई ई आर ई एड हो जाएगा सो यर आई कैन डायरेक्टली राइट फॉर इनपुट केवीएल अब देखो इनपुट केवीएल में क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ वी सी सी इक्वल्स टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई अरे सॉरी आई ई आर ई सिमिलरली फॉर आउटपुट केवीएल मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ वी सी सी एज आई सी आर सी प्लस वी सी ई प्लस आई ई आर ई अब देखो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख रखा है फॉर वी नॉट इफ़ इन अ क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल वी नॉट इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट और पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट एंड इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड ये कहाँ से मेजर्ड होना चाहिए ग्राउंड से सो वी कैन जस्ट कनेक्ट दिस एट ग्राउंड ये कहाँ से मेजर होना चाहिए ग्राउंड से मेजर होना चाहिए तो इसका मतलब सिंपली व्हाट वी कैन से कि हमें इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है सो फॉर वी नॉट व्हाट वी कैन राइट यस करेक्ट विकास सो फॉर वी नॉट हम देखो दो चीज़ें कर सकते हैं अब यहाँ ध्यान देना
अब आप या तो वी नॉट को डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, यू कैन डायरेक्टली राइट वी नॉट एज VCE प्लस IERE, आप ऐसा भी लिख सकते हो बिकॉज हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है फॉर दिस क्वेश्चन. बट अगर मान लो VCE नहीं दिया है, किसी क्वेश्चन में VCE इज़ नॉट गिवन, सो हाउ कैन वी डू? नाउ वी कैन से कि इस पूरे टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वी नॉट है और ये किधर ग्राउंड से कनेक्टेड है, सो अगेन वी कैन यूज़ KVL इन दिस सर्किट. देखो अब मैं ऐसा KVL यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान देना. वॉट आई कैन राइट माइनस VCC प्लस ICRC एंड प्लस वी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. गॉट इट? किसी को डाउट है? मैंने ये दोनों को सेपरेट सेपरेट नहीं लिखा क्योंकि वी नो दैट कि इनका जो टोटल पोटेंशियल है वी नॉट है और ये टोटल पोटेंशियल भी कहाँ से मेजर्ड है? ग्राउंड से. सो आई कैन डायरेक्टली राइट प्लस वी नॉट. नाउ वॉट आई कैन से, वी नॉट विल बी VCC माइनस ICRC. वॉट आई कैन राइट, माई वी नॉट विल बी VCC माइनस ICRC. सो आई हैव टू वेज टू कैलकुलेट वी नॉट. मेरे पास वी नॉट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगा आपके क्वेश्चन में विल प्रोसीड विथ इट उसे सॉल्व करने के लिए. गॉट इट? सो लेट्स मूव अहेड. चलो सो कोई भी डाउट होगा ना, क्या है ना थोड़ा सा डिले हो रहा है, आई गेस वीडियो 5-6 सेकेंड डिले है, तो कोई भी डाउट होगा आप मुझे चैट में बताना, मैं जैसे ही उस डाउट को देखूँ मेरे पास जैसे वो चैट रिसीव होगा आई विल एक्सप्लेन यू. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीडबैक बायस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टर बेस बायस. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं बेस की तरफ. अब पीछे वाले केस में और इस वाले केस में देखो डिफरेंस क्या है. पीछे वाले केस में यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना था फॉर दिस पॉइंट, हम लोग क्या कर रहे थे, वन सेकेंड गाइस क्या हो रहा है यार, ये पेन ना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा. इन प्रीवियस केस हम लोग क्या कर रहे थे, RB को डिसकनेक्ट करके उसको भी प्लस VCC से ज्वाइन कर रहे थे. बट इन दिस केस वी कैन नॉट डू दैट क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस VCC है और फिर उसके बाद कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और ये पोटेंशियल ड्रॉप होके यहाँ पर आएगा. पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा आई डोंट नो. अब यहाँ पे वन थिंग दैट वी शुड नो कि फॉर आर कंसिडरेशन वॉट वी कैन से कि हमारा यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो IB होगा, ये तो सिंपल है. यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो IE होगा. अब यहाँ पे देखो ये करंट जो IB है वो यहाँ से जाएगा, सेम करंट फ्लो होगा IB. वॉट वी कैन से हमारे कलेक्टर टर्मिनल पे, ध्यान देना हमारे कलेक्टर टर्मिनल पे जो करंट जा रहा है दिस इज़ IC और हमारे बेस टर्मिनल पे जो करंट जा रहा है दिस इज़ IB और यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट दिख रहा है, दिस जंक्शन पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट. इस जंक्शन पॉइंट पे KCL क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए. KCL शुड बी वैलिड एट दिस जंक्शन पॉइंट. तो अगर आउटवर्ड क्या जा रहा है IB और IC, इसका मतलब इनवर्ड भी वही आ रहा होगा दोनों का सम. सो व्हाट आई कैन राइट, इन माय RC द रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू कलेक्टर टर्मिनल द करंट विल बी IC प्लस IB. व्हाट वी कैन से, द करंट विल बी IC प्लस IB. क्लियर हुआ? ये डायग्राम समझ में आया? यहाँ पे देखो ये करंट है जो बेस में जा रहा है, सो आई हैव रिटन इट IB. ये वाला करंट है पार्ट ऑफ द करंट, ये किधर जा रहा है, कलेक्टर की तरफ जा रहा है, दैट्स वाई हैव रिटन IC हियर. बट यहाँ पे KCL शुड बी एप्लीकेबल, दैट्स वाई वी कैन से कि RC से कितना करंट फ्लो हो रहा है, IC प्लस IB. गॉट इट? एंड वी नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस डायग्राम व्हाट वी कैन से, IC प्लस IB, यहाँ पे देखो IC प्लस IB इज़ व्हाट, इट इज़ IE. हम लोग ने BJT के लिए KCL सॉल्व किया था, सो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर. हेलो विक्रम, आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज IE. मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, डायरेक्टली IE लिख सकता हूँ. गॉट इट? क्लियर है? कुछ डाउट है प्लीज़ टेल मी फास्ट. चलो नाउ वी हैव टू राइट इनपुट KVL एंड आउटपुट KVL. तो इनपुट KVL के हम लोग लेफ्ट साइड वाला सर्किट यूज़ करते हैं, आउटपुट KVL के लिए राइट साइड वाला. बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई है बट प्लीज़ ध्यान देना. इनपुट KVL देखो, यहाँ पे मैं प्लस VCC को अब थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूँ जैसा हम लोग पहले कर चुके हैं. माय प्लस VCC इज़ व्हाट, इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज़ व्हाट, इट इज़ ग्राउंडेड. व्हाट आई कैन शो,
आई कैन जस्ट शो दिस नेगेटिव टर्मिनल एज ग्राउंडेड, ऐसा शो कर सकता हूँ, एंड दिस पोटेंशियल इज VCC, नॉट प्लस VCC, VCC. पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड हियर, आई कैन शो दिस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ KVL इन आउटपुट एंड इनपुट सर्किट. तो देखो मेरा जो इनपुट सर्किट हो जाएगा, अब हम लोग इसे सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वी डोंट नो द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल नहीं पता है. सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग को पता है कि लेफ्ट साइड वाला जो सर्किट है वो इनपुट KVL है. तो अब देखो मैं ग्राउंड से ग्राउंड जाऊंगा. टू यूजिंग KVL वी शुड हैव अ क्लोज सर्किट. तो एक ग्राउंड से मैंने स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड गया, ये ग्राउंड हो गया, दिस इज माई इनपुट, गॉट इट, ये मेरा इनपुट हो गया. सो टू राइट इनपुट KVL व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट माइनस VCC. प्लीज़ मुझे बताना अगर आप लोग को डाउट आएगा, माइनस VCC प्लस IERC. मैं IERC लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों नेट करंट IE हो जाएगा अकॉर्डिंग टू KCL ऑफ BJT. हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं. सो आई कैन राइट, अरे भगवान, आई कैन राइट IERC नाउ प्लस, अब देखो हम लोग को यहाँ पे जाना है ये वाले वे में, प्लस RBIE क्योंकि करंट के डायरेक्शन में वी आर मूविंग. सो मैं इसलिए बार बार प्लस लिख रहा हूँ. KVL को यूज़ करने वाला जो मेथड है वो ही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. नाउ वील गो डाउनवर्ड. डाउनवर्ड में हम लोग को क्या मिल रहा है, प्लस VBE मिलेगा, प्लस VBE एंड देन प्लस IERE, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो. अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो वी कैन डायरेक्टली राइट VCC एज, हम लोग डायरेक्टली VCC को क्या लिख सकते हैं, दिस मच. VCC कैन बी रिटन एज IERC, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस IERE. कितना ईजी है, देखो हर जगह आपको बस KVL ही यूज़ करना है और कहीं कहीं पे KCL इन ईच. आपको याद होगा हम लोग स्टार्टिंग से जितना भी करते आ रहे हैं, डायोड के लिए, ओपैम्प के लिए कुछ अलग अलग कंसिडरेशन थी, वी हैव डन दैट, बट ऑलवेज वी हैव टू यूज़ KVL. हम लोग को हमेशा क्लोज सर्किट के लिए KVL ही यूज़ करना पड़ता है. ज़ीरो, नेट अटक गया है गाइज, वन सेकेंड, डोंट नो वॉट हैपन. मेरे यहाँ पे दिखा है ट्राइंग टू कनेक्ट टू स्ट्रीम लैब, वन सेकेंड गाइस, आई गेस राउटर रिबूट मोड पे चला गया था, दैट्स वाई. कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ कंटिन्यू, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे भाई साहब, इतना ऐड. चलो लेट्स मूव. सो व्हाट वी कैन राइट VCC एज IERC प्लस VCE प्लस IERE. वी कैन राइट दैट. यहाँ पे हम लोग को फीडबैक बायस के लिए, या नाम याद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं यार, आप बस ऐसा याद रख लो एक नए सर्किट के लिए हमने KVL KCL सीख लिया, गॉट इट. नाउ सर हाउ माइनस VCC, देखो यहाँ पे इफ़ यू सी मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, आई एम मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, यहाँ पे देखो अपवर्ड साइड में एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है ना, और यही तो KVL का रूल है कि व्हेन वी आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, फॉर रेजिस्टेंस हम लोग पोटेंशियल पॉजिटिव लिखते हैं, बट अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हो और आपको किसी वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल टच हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू लेना है. दिस इज़ द रूल ऑफ KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का रूल है, रूल नहीं क्या बोलते हैं, तरीका है कि हाउ वी राइट, हाउ वी यूज़ द पोटेंशियल. लेट्स मूव अहेड. इन द प्रीवियस वन वी हैड RE, यहाँ पे हमारे पास RE नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसा ही है. यहाँ पे व्हाट वी कैन शो दैट आर करंट विल बी हियर इज़ IB, भले ही रेजिस्टेंस नहीं है मगर करंट होगा IE, एंड दिस करंट विल बी व्हाट, दिस करंट विल बी IB NPN. ध्यान दे लो, यहाँ पे मैंने एरो शो किया, इट इज़ NPN. PNP होता तो मुझे IB कहाँ पे लिखना पड़ता, आउटवर्ड, सॉरी ये IE लिख दिया, IB, मुझे IB आउटवर्ड शो करना पड़ता, दिस डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और यही सेम करंट यहाँ पर होगा IB, सो व्हाट आई कैन नाउ राइट, सॉरी व्हाट आई कैन नाउ राइट दैट दिस करंट इज़ IC, ये करंट जो है मेरा IC है,
तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आई सी प्लस आई बी. वॉट इट विल बी, इट विल बी आई सी प्लस आई बी विच इज इक्वल्स टू आई ई. आप लोग लिख लेना, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. मतलब वी कैन नाउ राइट इनपुट केवीएल एंड आउटपुट केवीएल एज वी हैव डन. बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी इजी. आई आर ई वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस आ रही एमिटर रेजिस्टेंस नहीं है. एंड ऑल्सो वी कैन राइट फॉर वी नॉट, हम लोग वी नॉट के लिए भी लिख सकते हैं. एंड एज आई सेड, वी नॉट के लिए हम दो दो के वी एल यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन डू इट. आई एम नॉट गोना डू दिस, वील प्रोसीड इट. आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आप खुद से कर लेना एक बार ट्राई करने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं कैसे करना है. ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करने के लिए खुद से स्क्रीन शॉट लेके अपने पास रख लेना टू प्रैक्टिस इट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेल्फ वाइज, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, जैम में भी आया हुआ है, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ. यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐड हो गया था और यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज था बस. बट वील गोना डिस्कस दिस लेटर. अभी ऐसे टाइप के सर्किट को क्या करेंगे, देखो हमने कैसे किया था. यहाँ पे प्लस वीसीसी, देखो यहाँ पे भी प्लस वीसीसी जा रहा है, यहाँ पे भी प्लस वीसीसी जा रहा है. तो भैया सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों को सेपरेट कर लो सबसे पहले बिना किसी देरी के. जब भी आपको ऐसा एक कॉमन कनेक्शन मिले ना, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो ताकि बाद में आप लोगों को टेंशन ना हो. सो हियर वी कैन से हियर विल बी प्लस वी सी सी एंड हियर ऑल्सो वी हैव प्लस वी सी सी, क्योंकि बीच में तो कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए. एंड दिस प्लस वी सी सी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस प्लस वी सी सी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा. वी कैन रिप्रेजेंट दिस प्लस वी सी सी एज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी कनेक्टेड टू कलेक्टर एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू वॉट, इट इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड दिस इज़ माई वी सी सी. अब लेफ्ट साइड में देखो, वी हैव आर वन एंड आर टू, हमारे पास दो दो है, आर वन एंड आर टू है. भाई सीरीज में रेजिस्टेंस में, सॉरी सीरीज में पैरेलल में, वी डोंट नो. नाउ हाउ वील सिंप्लीफाई द इनपुट साइड, हम इनपुट साइड को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो. फॉर दिस वील यूज थेवेनिन्स थ्योरम. आपको नहीं पता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ थेवेनिन्स थ्योरम क्या है. ऐसे टाइप के कंडीशंस के लिए व्हाट वी डू, वी हैव टू फाइंड द व्हाट वी से इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज जिसको बोलते हैं, एंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस विच इज़ कॉल्ड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस. व्हाट वी फाइंड, वी फाइंड इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और सिंपली वी विल से दैट थेवेनिन्स वोल्टेज एंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे देखो, दोनों को सॉल्व करने के लिए अलग कंडीशन है, आप बुक में पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ बता देता हूँ. टू फाइंड थेवेनिन्स वोल्टेज, वन सेकेंड गाइज, टू फाइंड थेवेनिन्स वोल्टेज व्हाट वी कंसिडर, कि हमारे जो दोनों रेजिस्टेंस है ना ये सीरीज में, याद रखना. टू फाइंड थेवेनिन्स वोल्टेज ऐसे ही टाइप के केस में, ओके अलग अलग सर्किट में हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज थेवेनिन्स थ्योरम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. आपको बीजेटी में जब भी ऐसा सर्किट दिखे, आप हमेशा याद रखना आपको थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना है, और इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वोल्टेज, वी हैव टू अज्यूम कि आर वन आर टू कैसा है, सीरीज में है. एंड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको क्या कंसिडर करना है, कि ये दोनों पैरेलल में. अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कंसिडर कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, जादू हो रहा है. नहीं, आप थेवेनिन थ्योरम जाके पढ़ो, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही इक्वेशन सॉल्व करके लास्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वो ऐसे ही आता है, जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस को पैरेलल कंसिडर करना पड़ता है टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंस वोल्टेज आपको उसे सीरीज में सीरीज में कंसिडर करना पड़ता है. आप इसे जाके देख सकते हो. सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना रिप्रेजेंट माई लेफ्ट साइड ऑफ सर्किट एज इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे सर्किट को यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ. दिस इज़ माई आर वन आर टू एंड इट इज़ ग्राउंडेड, और ये क्या था, प्लस वी सी सी था. दिस इज़ माई आर वन, सॉरी गाइस, दिस इज़ माई प्लस, अरे भाई साहब, दिस इज़ माई प्लस वी सी सी, दिस इज़ माई आर वन, दिस इज़ माई आर टू. कितनी गंदी राइटिंग हो रही है पता है, बिकॉज आई कैन नॉट पुट माई हैंड ऑन दी आई पैड, मुझे ऐसा हाथ उठा के लिखना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस स्वेट वो वर्क नहीं कर रहा. नाउ व्हाट आई हैव सेड कि मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ आर टी एच, विच इज़ माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वी टी एच. यहाँ पे हम लोग इसे क्या लिख देंगे, वी टी एच. आप बोल सकते हो इसको मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया.
यानी लेफ्ट साइड वाला जो पूरा सर्किट था उसको मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने क्या पढ़ा, मैंने भी क्या बताया कि RTH निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू कंसिडर द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो वी कैन से अगर ये दोनों अगर पैरेलल हुए तो इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, R1 into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। और दो या तीन कितने भी रेजिस्टेंस है सबको हमें ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा। एंड VTH का क्या हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको दो ही रेजिस्टेंस आएंगे। VTH निकालने के लिए व्हाट वी कैन से, VTH मतलब यहाँ पे देखो ये जो पोटेंशियल है ये इसके अक्रॉस वाला पोटेंशियल है, ठीक है, R2 के अक्रॉस वाला। सो VTH व्हाट वी कैन से, VTH कैन बी रिटर्न एज R2 इनटू प्लस VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, गॉट इट। सो वी हैव टू कन्वर्ट आर लेफ्ट साइड ऑफ सर्किट इनटू इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट, और यहाँ पे इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया। सो व्हाट वी कैन से हियर, माय RTH इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल व्हिच इज R1 इनटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और मेरा VTH क्या हो गया, VTH इज द वोल्टेज अक्रॉस R2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माय VTH एज VCC इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया डायरेक्ट। सो याद रखना हमने कैसे इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हाउ वी हैव सिंप्लीफाइड इट। बस इतना याद रखना कि जो भी आपका लेफ्ट साइड का सर्किट है उसके लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज फाइंड आउट करना है, फॉर दैट वी हैव टू यूज थेवेनिन थ्योरम। मैंने वो यूज़ किया और डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है। सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट माय इनपुट सर्किट एज दिस, इसे मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, एंड आउटपुट सर्किट लाइक दिस सेपरेटली। अब देखो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है एक डायग्राम था वो अब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। नाउ वी कैन राइट इनपुट एंड आउटपुट KVL हियर वेरी इजीली। फॉर इनपुट KVL वी नीड अ क्लोज सर्किट एंड दिस इज माई क्लोज सर्किट, मैं ऐसे जा रहा हूँ बिकॉज IV तो हमेशा इनवर्ड की तरफ होगा। दिस इज माई वॉट NPN ट्रांजिस्टर, तो ये IV हमेशा इनवर्ड की तरफ होगा। सेम करंट यहाँ पर होगा, सेम करंट IV यहाँ पे फ्लो हो रहा है, गॉट इट। कुछ डाउट है इससे रिलेटेड प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि चैट में कुछ आ नहीं रहा है। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना। इसको समझने के लिए आपको थेवेनिन्स का एक बार देखना पड़ेगा किसी बुक में से, आई गेस मेहता या किसी भी बुक में से। थेवेनिन्स को हम सर्किट में कैसे अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज लिखते हैं वो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने वही यूज़ किया है। नाउ आउटपुट सर्किट के लिए हम लोग को KVL यूज़ करना है। सो माई आउटपुट सर्किट इज़ दिस, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा करंट होगा, करंट का डायरेक्शन, दिस इज़ माई IC, ये मेरा क्या हो जाएगा IC हो जाएगा, एंड दिस इज़ माई IE, ये क्या हो जाएगा IE। मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ यार, दिस इज़ माई वॉट IC एंड दिस इज़ माई वॉट IE। नाउ अगेन दिस इज़ माई आउटपुट सर्किट, यहाँ पे देखो ये मेरा आउटपुट सर्किट है फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। आई कैन राइट द KVL, मैं दोनों का KVL लिख सकता हूँ, इनपुट के लिए भी एंड आउटपुट के लिए भी। इनपुट KVL, इफ़ आई वॉन्ट टू राइट इनपुट KVL, सो हाउ कैन आई राइट दिस, आई कैन राइट और आई एम ट्रेसिंग इन दिस डायरेक्शन, ये जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन मैंने शो किया है। सो वी कैन से माइनस VCC R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस IB इंटू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। डोंट वरी, इस R1 R2 का वैल्यू दिया होगा आपको, तो आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन हर बार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मगर इसका इक्विवेलेंट वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। सो हियर व्हाट वी कैन से, हम लोग का ये मिल गया प्लस VBE एंड एट लास्ट प्लस IERE इक्वल्स टू ज़ीरो, प्लस IERE इक्वल्स टू ज़ीरो, गॉट इट। तो यहाँ से अब तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता इस इक्वेशन को, क्योंकि मेरे पास R1 R2 डिफरेंट है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड VCC और वॉट एवर वी हैव टू फाइंड, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वी कैन डू दैट। एंड सिमिलरली वी कैन राइट फॉर आउटपुट सर्किट ऑल्सो, फॉर आउटपुट KVL वॉट वी कैन राइट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वी कैन राइट माइनस VCC, मैं इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन मैंने एरो शो किया मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूँ। सो माइनस VCC प्लस ICRC प्लस VCE प्लस IERE इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हियर वी कैन राइट नाउ आर VCC वुड बी वॉट, अब इजी है यार, इसे क्या लिखूं, क्लियर हुआ, आगे बढ़ें।
ये तो ब्लैंक पेज आ गया। नाउ वी, अब बस इतना ही था, ये चीज़ हो गया ना जितना हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया। इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताओ। सेल्फ बायस, रजिस्टर बायस, रिवर्स बायस, जो भी हम लोग ने अभी कर लिया, जितना भी सर्किट अभी हम लोग ने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने का तरीका समझा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दोज सिंप्लीफिकेशन हम लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डोंट वरी, आप देखो अभी आप क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन बीजेटी का इजीली सॉल्व हो जाएगा। पता है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स को स्कोरिंग बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे थ्योरेटिकल तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट फॉर जैम सिलेबस कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है और उसे दिमाग में रखना है, एंड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। और हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 या 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इफ़ यू हैव डन योर इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप लोग का 4 या 5 मार्क्स तो फिक्स हो जाएगा। डोंट वरी, लेट्स मूव अहेड। सो नाउ वील गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे रिलेशन मैंने दिया हुआ है, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन गामा बीटा, एंड दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फ़ा। इसका मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं कोई एक तरीका ढूंढूं इसको याद करने के लिए, जैसे ICICI वाला था, बट मुझे कोई भी तरीका मिल नहीं पाया। सो बेसिकली आप लोग को ये दो इक्वेशन याद रखने ज़रूरी है, ठीक है, गामा बीटा और अल्फ़ा का, बिकॉज हाउ वी कैन डू दैट। सी आपको ये दो इक्वेशन अगर याद हुए ना, एंड दिस इज़ सिमिलर, मतलब पार्ट ऑफ इट सिमिलर, यहाँ पे देखो 1+ बीटा है और यहाँ पे भी 1+ बीटा है। सो सिर्फ पहला और दूसरा इक्वेशन जो है, ओनली दैट इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट, आपको बस वही इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको वही इक्वेशन बस याद रखना है, दिस टू रिलेशंस ओनली, द रिलेशन वन एंड दिस रिलेशन टू। व्हाट हैपेंड, नेट गया क्या? नहीं, इट इज़ वर्किंग, मोबाइल में पता नहीं क्या हो जा रहा है। 1 सेकेंड गाइस, टेल मी इन द चैट कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, क्योंकि मेरे मोबाइल में तो लोडिंग दिखा रहा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द स्ट्रीम, डिले हो रहा है, अटक गया है, व्हाट हैपेंड यार, इसका स्पीड भी है बहुत अच्छा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जैसा हम लोग ने डायोड्स में पढ़ा था, डायोड्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे भी आपका जो VBE है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और उसका रिलेशन ऐसा है, दिस रिलेशन इज़ व्हाट, ये रिलेशन क्या बोलता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द फॉरवर्ड वोल्टेज, जो हम लोग 0.7 कंसिडर कर रहे थे, सो फॉर एवरी वी कैन से एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज, यहाँ पे देखो ये जो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, वो टेम्परेचर चेंज तो वैसे किसी भी स्केल में हमेशा सेम होता है, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हमारा जो VBE है वो कितने मिली वोल्ट से चेंज होगा, 2.3 मिली वोल्ट से डिक्रीज होगा। गॉट इट, यानी आपने टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री कर दिया, तो आपका अगर पहले VBE वोल्टेज था 0.7, तो अब ये -2.3 मिली वोल्ट और डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट, ये इक्वेशन बस इतना है। वैसे इसका यूज़ एज सच तो कहीं पे भी नहीं आया, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिया हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन। अब हम लोग को बस क्वेश्चन करना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने एकदम सेलेक्ट किए हुए हैं सारे चीज़ें, जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए सारे मैंने कंसिडर कर लिए इसी में, सारे नहीं मतलब उसके जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं, एंड वील डू दैट। और इसके बाद आपका BJT फिनिश है, देर इज़ नथिंग टू स्टडी मोर इन BJT। अब इसके बाद बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊँ, दैट्स इट। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे क्या बोला है, गिवन एमिटर वोल्टेज इज 2E, एमिटर वोल्टेज दिख रहा है, देखो मैंने यहाँ पे VE शो किया हुआ है, इट मीन्स इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, तो ये पूरा जो ग्राउंड से कनेक्टेड है ये 2V है, क्लियर हुआ। यहाँ पे आप इसे ऐसा शो कर सकते हो, देखो वी कैन शो दिस एज दिस इज माय 2 वोल्ट्स एंड इट इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड, इट इज़ वी कैन से मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, याद रखना। एंड वॉट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। वॉट इज़ अल्फ़ा, वी नो दैट अल्फ़ा बीटा गामा ICICI, एंड वी नो दैट कि सबसे पहले IC/IE आता है, सो वी नो दैट अल्फ़ा इज़ IC/IE, वी कैन से अल्फ़ा इज़ IC/IE।
इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ कलेक्टर एंड एमिटर करंट। चलो फटाफट मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, डू इट फास्ट गाइस। यहाँ पे याद रखना माय ट्रांजिस्टर इज, ये जो मैं BJT यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सा है, देखो डायग्राम देख के बताना, बहुत ध्यान से देखना ये डायग्राम, बहुत ध्यान से देखना और फिर एमिटर बेस और कलेक्टर की नेमिंग करना। हियर वी कैन से कि आपका जो करंट है वो नीचे नहीं बल्कि यहाँ पे ऊपर शो किया हुआ है, सो दिस विल बी व्हाट, एमिटर, आपका एमिटर होगा, ये वाला टर्मिनल 101 तक का एमिटर है, ठीक है। तो आप इस वोल्टेज को डायरेक्ट एमिटर बोल सकते हो, इसके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो, या इसके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो, व्हाटएवर आप कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट, दिस इज़ माय बेस एंड दिस इज़ माय कलेक्टर। नाउ दिस डायरेक्शन इज इनवर्ड, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, इट इज़ PNP ट्रांजिस्टर, ऑलवेज रिमेंबर। और PNP ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग IB जो लेते हैं वो आउटवर्ड लेते हैं, याद आया, माय IB इज़ आउटवर्ड, सो हियर द डायरेक्शन ऑफ IB एंड हियर द डायरेक्शन ऑफ IC, और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ IE, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ IE। ये डायरेक्शंस अगर आप लोगों ने एकदम एग्जैक्टली कर लिया होगा ना, तो अभी इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। इनपुट आउटपुट KVL निकालो, IC/IE का रिलेशन निकालो, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे देखो मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, आप लोग इनपुट आउटपुट KVL निकाल के IC/IE डिफरेंट निकालोगे, बट वी नो दैट कि इन एवरी BJT IC plus IB इक्वल्स टू IE। रुक रहा है क्या, रुक रहा है आयुष, कंटिन्यू है वीडियो बेटा, मेरे मोबाइल में तो कंटिन्यू दिखा रहा है, कुछ भी अटक नहीं रहा, वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, वन सेकेंड, नहीं ये वॉइस भी नहीं रुक रहा है, रिफ्रेश कर लो। नाउ व्हाट वी नीड IC/IE मीन्स अल्फा, वी नीड अल्फा इक्वल्स टू IC/IE, हम लोग को ये चाहिए। अब मैं इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, सबको IE से डिवाइड कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो मेरा IC/IE अल्फा हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 - IB/IE, ठीक है। तो आप IC/IE सेपरेट फाइंड आउट करो, या IB/IE का अगर आपको इक्वेशन मिल जा रहा है, जो कि मिल जाएगा इजीली, इट इज़ नॉट हार्ड, सॉल्व करो। चलो ये कुछ नहीं है, आंसर मुझे बताओ फटाफट, यू कैन डू वन क्वेश्चन विथ मल्टीपल वेज, बहुत सारे वेज होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ कनेक्टेड टू +10, व्हाट वी कैन से, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कनेक्टिंग दिस विद माय +10 volt और इसे ग्राउंड कर दे रहा हूँ, सो दिस इज़ माय +10 volt। यहाँ पे क्या है, -10 है, तो यहाँ पे व्हाट आई कैन से कि ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है, दिस इज़ ऑल्सो 10 volt, और मेरा V कितना है, 2 volts है, सो आई कैन ऑल्सो से कि ये जो होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे +2 volt है ना, सो आई कैन से कि मेरा ये पॉजिटिव टर्मिनल 2 volt से कनेक्टेड होगा और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम वॉट, ग्राउंड। तो हम लोग डायरेक्ट इसे ऐसे शो कर सकते हैं। नाउ रेस्ट इज़ वेरी इजी, जस्ट डू इट एंड टेल मी द आंसर, फटाफट मुझे आंसर बताओ, सारा सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, देर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन नाउ, बस आपको IC/IB डिफरेंट फाइंड आउट करना। और ये याद रखना, ये चीज़ याद रखना कि अब आपका VBE ऐसा है, VEB, क्योंकि वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए ना, सो दिस इज़ माय PNP, तो आपका PN फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। तो अब आप लोग ये चीज़ याद रखना ज़रूर, दैट दिस इज़ माय पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ माय नेगेटिव टर्मिनल, VEB और VBE दोनों सेम है। एक चीज़ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है गाइस, VEB का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इफ़ आपके क्वेश्चन में अगर क्या मैं बताऊँ, इसमें वी देखो कैलकुलेट करो बिना VEB के आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा है सो यू कैन ऑलवेज टेक 0.7 इफ़ इन अ क्वेश्चन इट इज़ नॉट गिवेन, और उस क्वेश्चन में आपको VEB नेसेसरी है कि बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, देन ओनली यू कैन से कि VEB 0.7 आप ले सकते हो,
बट ये क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या? दिस विल गिव आई ई, हाँ ये वाला नहीं सॉल्व होगा। इसमें वी ई भी 0.7 ले लो, इसमें वी ई भी क्या ले लो 0.7। चलो गाइस फास्ट, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? यहाँ पे केवीएल मत यूज़ कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक और आप लोग देखोगे, यहाँ पे एक और पोटेंशियल बन रहा है वीसीबी, जो हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पे केवीएल मत यूज़ कर लेना। देखते यस पीएनपी है, पीएनपी हो या एनपीएन हो, हमेशा आपका बी जंक्शन जो होना चाहिए वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए फॉर वर्किंग इन एक्टिव रीजन, और मैंने उसे फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। चलो फास्ट गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस पोटेंशियल शो किया है। नाउ अगर आप लोग कलेक्टर और एमिटर सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट करने का सोच रहे हो ना, तो इस क्वेश्चन में इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट, आप नहीं कर सकते। आई तो आप लोग को कैलकुलेट हो जाएगा, आई बी फिर कैलकुलेट हो जाएगा, फिर आई सी, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा। बिट डिफ़िकल्ट मतलब इट विल बी लेंदी, आप आई सी सेपरेट निकाल सकते हो। तो मेरा वाला जो मेथड है वो यूज़ कर लो। हमने क्या पढ़ा था कि आई सी प्लस आई बी इक्वल्स टू आई, सो आई कैन राइट दिस डिवाइड बाय आई इन बोथ ऑफ दिस साइड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, वन माइनस आई बी डिवाइड बाय आई, मुझे क्या मिल जाएगा, वन माइनस आई बी डिवाइड बाय आई। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है, शिट, इतनी फास्ट कैलकुलेशन करने वाली मेरी जनता, आज पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है या मेरा नहीं, मेरे में तो एकदम मतलब रियल टाइम चैट दिखा रहा है, आप लोग जो भी चैट करोगे वही आ रहा है। व्हाट आर यू डूइंग गाइस, मुझे ही करना पड़ेगा क्या ये? चलो भाई करते हैं, मेरे सारे धुरंधर थक गए, कर रहे होंगे, आई एम जस्ट जोकिंग, डोंट वरी, हाँ दिल पे मत ले लेना। अब देखो मैं कोई भी सर्किट यूज़ कर सकता हूँ, मुझे बस केवीएल यूज़ करने से मतलब है। व्हाट आई एम डूइंग, मैं केवीएल देखो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सी इन दिस डायग्राम, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ रहा हूँ, दिस इज़ माई इनपुट, ठीक है, मैं इसी वे में जा रहा हूँ। अब देखो मैं केवीएल यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ लूप वन, व्हाट आई एम नेमिंग इट, आई एम नेमिंग इट लूप वन। सो यूजिंग केवीएल इन लूप वन, व्हाट आई कैन राइट, KVL in loop 1. What I can write? I can write minus 10 plus 5 IE, okay, and plus 60 IB, sorry, plus VEB plus 60 IB equals to 0. यही होगा, simple. VEB कितना मैंने बताया था, अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो you have to take it as 0.7 generally. जनरली हम कितना लेते हैं, 0.7। दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 5 IE प्लस 60 IB इक्वल्स टू 9.3, यस 9.3, ओके। अब यहाँ पे देखो हम लोग को, मैंने क्या बताया था, अल्फ़ा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस आई बी डिवाइड बाई आई, हम लोग ने फाइंड आउट किया था। मगर यहाँ पे देखो अगर मैं आई से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुझे आई मिल जाएगा। इफ़ आई जस्ट डिवाइड इट ऑन दी बोथ हैंड्स, सो व्हाट आई कैन से, आई विल गेट कैंसल, हमें इधर कितना मिल जाएगा, वील ओनली हैव फाइव, और यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म कितना आ गया, आई। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई सो दैट वी कैन यूज़ दैट इक्वेशन हियर एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं एक दूसरा लूप ले रहा हूँ, यस किसका,
रोहन का आ गया आंसर 1/48। देखते हैं, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। यस 1/48 इट सीम्स कि वो करेक्ट है, मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली, आई एम गोना सॉल्व इट नाउ। अब देखो, मैं दूसरा वाला जो मेरा सर्किट है, ये ग्राउंड से ऐसा होते हुए ऐसा, ये ग्राउंड, दिस इज माई सेकेंड लूप, आई एम यूजिंग KVL in loop 2। सो वॉट आई कैन डू, आई कैन जस्ट राइट -10 + 5IE + 2 = 0, क्योंकि KVL के लिए तो एक क्लोज सर्किट चाहिए ना, और क्लोज सर्किट में ग्राउंड से ग्राउंड ले रहा हूँ, मेरा बस ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट होना चाहिए, आई कैन टेक एनी वेयर माई KVL। सो वॉट आई कैन से, माई आई ई वुड बी 8/5, आई कैन डायरेक्टली राइट माई आई ई वुड बी हाउ मच, इट विल बी 8/5, इट विल बी हाउ मच 8/5, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेट्स टेक अनदर पेज, सो इन दैट व्हाट आई कैन से, 5 + 60, यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, 5 + 60 आई बी बाय आई ई इक्वल्स टू 9.3 डिवाइड बाय 8/5, यस युविका का है 0.98, आदर्श का है 0.7, 8/5 मतलब देयर विल गेट 8 एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5। इतना अलग अलग कैसे आ रहा है, करो फिर से करो, एंड ईयर विल गेट आई बी बाय आई ई, अरे यार अब इतना मेरे को मत करने पे लगाओ यार, 5 × 3 = 15, चलो कर दो, 5 × 9 = 45 एंड दिस विल बी 46.5 डिवाइड बाई 8 - 5, यस, सो हियर विल गेट 60 आई बी बाई आई इक्वल्स टू 6.5 डिवाइड बाई 8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 8 × 5 = 40 माइनस हो जाएगा, सो हियर वी कैन राइट आई बी बाई आई ई एस, इट विल गिव आई बी बाई आई ई एस, वन सेकेंड गाइस, 6.5 डिवाइड बाई 8 × 60, एंड अल्फा विल बी हाउ मच, इट विल बी 1 - IB/IE, सो विल गेट 6.5 डिवाइड बाय 8 × अरे यार एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया, आई जस्ट रिटन समथिंग रॉन्ग, आई ई बाई आई बी होगा आई गेस, नहीं क्या था, वन सेकेंड गाइस, अल्फा का मैं फॉर्मूला भूल गया, नहीं अल्फा का फॉर्मूला तो होता है आई सी बाई आई, यही होता है, सो इफ आई जस्ट टेक माई आई सी प्लस आई बी इक्वल्स टू आई ई, यस यही आ रहा है, कहीं पे मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या गाइस, मुझे करेक्ट करो, कहीं पे तो मैंने मिस्टेक कर दिया है, आई हैव डन समवेयर मिस्टेक, दिस विल बी 8/5, ओके, सो 8/5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई हैव डन समवेयर मिस्टेक, मुझे बताओ मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दिया, दिस विल बी 1.6, यस तो यहाँ पे 1.6 हो जाएगा, तो 93/60, तो यहाँ पे हो जाएगा 93/16, वन सेकेंड गाइस, कहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया है, 93/16 -5 हो जाएगा, 16 × 5 = 80, 93 में से 18 गया, सो विल गेट 13/16, ओके एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 60, यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगा आई बी बाय आई का, एंड दिस विल बी 1 - this much, तो दिस इज़ लेस देन 1, तो 1 से माइनस करेंगे तो आंसर लेस देन 1 ही आएगा, क्या मैंने गलत किया, मैंने कुछ तो नहीं गलत किया, चलो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है देखो, वी नीड कैलकुलेटर नाउ, अरे हाँ यार सही तो कर रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था मैं गलत कर रहा, नाउ कैलकुलेटर के आंसर के हिसाब से क्या आ जाएगा, 6.5 डिवाइड बाय 480, दिस विल बी 1 - 0.0135, हम लोग 3 or 4 digits तक लिख लेते हैं, सो माय अल्फा वुड बी हाउ मच, इट विल बी 0. दिस विल बी 5689, सो 0.98 इज़ द करेक्ट आंसर, किसका है ये करेक्ट आंसर, किसका ये आंसर,
नहीं 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 तितली करेक्ट है, 0.98 करेक्ट आंसर ऑफ यूवी का। आई गेस रोहन का भी करेक्ट आंसर है क्या, 1/48। नो रोहन, रोहन थोड़ा कैलकुलेशन चेक करो बेटा, कैलकुलेशन चेक करो। टेक योर कैलकुलेशन गाइस, युविका आंसर इज करेक्ट। बाकी लोग का आंसर ही नहीं आया क्या, कितना इजी क्वेश्चन तो था ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, थोड़ा सा एनपीएन कर रहा था, पीएनपी कर दिया तो इतना हो गया है। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्क्ड इन जैम 2016। ये जैम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेट बाय मद्रास, आईआईटी मद्रास। जैम 2016 का क्वेश्चन है ये। अभी अभी हम लोगों ने ऐसा एक डायग्राम देखा जहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई किया, क्या करके, थेविनिन सर्किट बना के। हियर व्हाट इज़ गिवेन, अंजलि का अप्रॉक्स आया 0.96। अंजलि थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर एक बार देखना, आई गेस आपने पहले ही सारी चीज़ों को डिवाइड करके आंसर लिखा होगा, दैट्स वाई। पहले डिवाइड मत कर लो, पहले उसे रेशियो फॉर्म में रहने दो, एट लास्ट हमेशा डिवाइड किया करो। नाउ व्हाट विल गेट, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, व्हाट इज गिवेन कि निगलेक्ट वी बी, यहाँ पे वी बी को निगलेक्ट करने बोल दिया, इट मीन्स वी बी इज ज़ीरो हियर, सॉरी व्हाट आई कैन राइट वी बी इज ज़ीरो एंड बीटा एज 100, बीटा एज इक्वल्स टू 100 एंड वी नो दैट बीटा इज 100 मीन्स व्हाट, बीटा इज़ व्हाट, आई सी डिवाइड बाय आई बी, सो आई कैन राइट आई सी एज 100 आई बी, व्हाट आई कैन राइट आई सी एज 100 आई बी एंड अकॉर्डिंग टू के सी एल आई कैन राइट आई सी प्लस आई बी इक्वल्स टू आई ई, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट आई ई इज 101 आई बी, मैं क्या लिख सकता हूँ आई ई को 101 आई बी, ठीक है। लाइव स्ट्रीम के वजह से ना ऐसे झुकझुक के बैठने की आदत हो गई है, मुझे बहुत पेन होने लगा है बैक में। सो व्हाट वी आर गेटिंग दिस रिलेशंस आई सी आई बी, क्लियर हुआ, सो आई एम राइटिंग दिस हियर, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे क्या मिल गया, वी बी तो पहले ही बोल दिया, निगलेक्ट, निगलेक्ट मीन्स वी हैव टू टेक ज़ीरो कट इन वोल्टेज। नाउ वी हैव गिवेन बीटा इक्वल्स टू 100, वी हैव टू कैलकुलेट बीटा इक्वल्स टू 100, सॉरी इट इज़ गिवेन, हम लोग ने आई बी निकाला, सॉरी आई सी निकाला, आई सी इज़ वॉट, आई सी वॉज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 100 बी आई बी एंड आई ई वॉज 101 आई बी, सी 101 आई बी, आई बी इज़ वेरी लेस, आई बी वैसे ही बहुत छोटा होता है, तो आप इसको 101 आई बी बोलो या मैं इसको भी अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 100 आई बी लिख सकता हूँ, बट आई कैन राइट आई ई ऑल्सो एज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 100 आई बी, क्योंकि कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा, आई बी वैसे ही बहुत छोटा होता है, पॉइंट में आंसर आता है बेस करंट का, कुछ मिली वो मिली एम्पियर में, पॉइंट में वो भी, सो इट इज़ वेरी लेस, तो आप 101 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको बहुत छोटा सा वैल्यू का डिफरेंस आएगा, सो आई कैन राइट आई एज 100 आई बी अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू। ओके नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड वी सी मीन्स वोल्टेज हियर, चलो फाइंड आउट करो फटाफट, डू इट फास्ट गाइस। What we have to find VCE. It is not connected to ground. ये ground से हम लोग को नहीं मेजर करना है, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज बताना है VCE. And this is here, we can say this is NPN transistor. ये कैसा transistor है, NPN. Now we know that कि हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Thevenin's equivalent resistance and voltage में, and we know that this is our R1 and this is our R2. And this is my plus VCC. So we have done it. हम लोग ने इसको किया हुआ है, यहाँ पे हमारा VTH हो जाएगा, VTH कितना हो जाएगा, R2 into VCC divide by R1 plus R2, याद आ रहा है, हमारा VCC हो जाएगा, so I can directly write this, R2 कितना है 5, multiply by VCC कितना है 10, divide by R1 plus R2, so this is 10, and my Thevenin's equivalent voltage will be 5 volt. Now Thevenin's equivalent resistance will be how much, it will be R1 into R2, divide by R1 plus R2, so here I can say that would be 5 into 5 divided by 10, 5 into 5 divided by 10, which is nothing but 2.5,
कितना आ जाएगा ये 2.5K. सो 5 वोल्ट मिल गया, 2.5K भी मिल गया. सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज. अब हम इस डायग्राम को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जैसे हम लोग ने सीखा हुआ है. सो हियर आई कैन शो माय दिस डायग्राम एज दिस इज माय NPN ट्रांजिस्टर, ये मेरा बेस. यहाँ पे वी हैव टू शो दी RTH और वी कैन से थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू कितना है 2.5K. वहाँ क्या हवा चल रही है, वेरी गुड. एंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज विच इज़ वॉट कनेक्टेड टू ग्राउंड, और इसका वैल्यू कितना आया था, इट्स वैल्यू वॉज 5 वोल्ट. यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, कलेक्टर पे जो वैल्यू दिया हुआ है रेजिस्टेंस वगैरह का वो निकाल लेते हैं. वॉट वी हैड 5K कनेक्टेड टू +10 वोल्ट. सो आई कैन से आई कैन शो हियर 5K एंड इट इज़ कनेक्टेड टू हाउ मच, इट इज़ कनेक्टेड टू +10 वोल्ट. सो हियर आई कैन से +10 वोल्ट. एंड अगेन एमिटर इज कनेक्टेड टू हाउ मच, इट वॉज कनेक्टेड टू 10K एंड ग्राउंड. हम लोग ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने डायग्राम को पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू राइट हियर, वी हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये भाई डायरेक्शन हो जाएगा IC का, ये डायरेक्शन हो गया IB का, एंड दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ IE, सॉरी दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ IE. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव प्लस VCE एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव VBE, मगर VBE कितना दिया है, 0. हम लोग को पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि निगलेक्ट VBE, इट मीन्स VBE इक्वल्स टू 0. नाउ यूज़ KVL KCL, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड नाउ. अब सब कुछ आप लोग कर सकते हो. वी हैव जस्ट सिंप्लीफाइड द डायग्राम यूजिंग आर प्रीवियस मेथड. सो आई कैन राइट इट एज 10 वोल्ट कनेक्टेड टू क्या, टू कलेक्टर, एंड निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. सो दिस विल बी लाइक 10. अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ करना ही नहीं. वी हैव कैलकुलेटेड IC एंड IB. यहाँ पे देखो IC IE हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है. IC IE क्या कैलकुलेट कर लिया है, माई IC इज 100 IB एंड माई IE इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 100 IB. यू जस्ट हैव टू यूज KVL इन इनपुट एंड आउटपुट एंड यूल गेट द VC. आपको VC मिल जाएगा, देर इज नथिंग टू सॉल्व हियर. यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. चलो व्हाट वी कैन डू, मैं सबसे पहले भाई आउटवर्ड ये वाला जो लूप है, पहला लूप, और ये मेरा दूसरा लूप, ये मेरा दूसरा लूप. तो मैं भैया सबसे पहले KVL यूज़ कर रहा हूँ लूप 1 में. KVL इन लूप 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 प्लस 5 IC. मैं उसको IB के टर्म्स में लिख ले रहा हूँ, तो हो जाएगा 100 IB प्लस VCE दैट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड प्लस 10 IE. 10 IE इसको भी मैं IB के टर्म्स में लिख ले रहा हूँ. आई कैन राइट इट एज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू IB, दैट इज इक्वल्स टू 0. एंड व्हाट इज़ माय VCE नाउ, VCE इज़ व्हाट, इट इज़ 10 - 500 एंड दिस विल बिकम 1000. सो इट विल बी 1500 IB. इट मीन्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ, वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट IB. हमको बस IB कैलकुलेट करना है, एंड वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम लूप 2. नाउ यूजिंग KVL इन लूप 2, चलो यहाँ पे देखते हैं व्हाट वी कैन से KVL इन लूप 2. लूप 2, बहुत बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग हो जा रही है. लूप 2 में देखो क्या हो जाएगा. हियर व्हाट वी कैन से -5 वोल्ट प्लस 2.5 IB प्लस VBE, जिसको हम लोग को बोला है निगलेक्ट करने के लिए, सो वी कैन निगलेक्ट इट एज 0 प्लस 10 IE. IE को मैं क्या लिख सकता हूँ, IB के टर्म्स में लिख सकता हूँ, एंड दैट विल बी 1000 IB डायरेक्ट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. सो हाउ कैन आई से IB इक्वल्स टू, व्हाट आई कैन से IB इक्वल्स टू 5 / 1000. 1000 में 2.5 ऐड कर लो यार, क्या ही जाएगा. ऐड करना चाहते हो कर लो, 1002.5 लो, कितना ही डिफरेंस आ जाएगा बताओ मुझे. डिवाइड कर लो, नाउ यू हैव गॉट द आंसर गाइस.
मैं क्या करता हूँ, अप्रोक्सीमेट अभी सॉल्यूशन के लिए मैं इसे 1000 लिख देता हूँ। अब आप बोलोगे सर हर जगह अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, यस। वाई? बिकॉज BJT के केसेस में अप्रोक्सीमेशन लेके जब आप सॉल्व करोगे तब आपका कैलकुलेशन ईजी होगा और जो आपका आंसर आएगा, डोंट वरी, आंसर में आपको, आंसर की में आपको रेंज मिलेगा। सो आपका जो भी आंसर आएगा पॉइंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा, थोड़ा बहुत, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। नेहा का 2.53 और गौरव का 3.61, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। जैसे अगर आंसर है 4.38 तो आपका हो सकता है 4.36 आ जाए, इतना ही डिफरेंस आ सकता है। तो आपको आंसर की में ना रेंज मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, IV मिल गया 5/1000। मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि आई कैन पुट दैट वैल्यू हियर, मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ नाउ। इफ़ आई जस्ट पुट माई वैल्यू हियर, वॉट आई कैन गेट VCE एज 10-1500 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी, अरे भैया नहीं काम कर रहा पेन यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 1000। सो दिस 100 विल गेट कैंसल एंड विल हैव, डायरेक्ट लिख सकते हो यार, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग VCE एज 10-7.5, यस 7.5। सो माय VCE विल बी हाउ मच, इट विल बी 2.5 वोल्ट, करेक्ट किया ना मैंने, VCE विल बी हाउ मच 2.5, इट मीन्स नेहा का करेक्ट आंसर है। नेहा, वेरी गुड, गुड जॉब। अंजलि, गौरव, प्लीज़ चेक योर कैलकुलेशंस अगेन, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करो डियर, डोंट वरी, कोई बात नहीं, जितनी गलतियाँ होनी है प्रैक्टिस में ही होनी है, ताकि ये सारी गलती यू विल रिमेंबर एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम एंड यू वॉन्ट रिपीट इट, आप इसको रिपीट नहीं करोगे। नो रोहन, 7.5 ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज आ गया भाई, कैसे, हाउ? सॉरी गाइस फॉर द साउंड। चलो सॉल्व करें आगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दो बच्चों आप लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अगेन आस्क्ड इन जैम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आई गेस आप लोग को दिख रहा होगा, लेट मी जस्ट सी इन माय मोबाइल स्क्रीन। सॉरी गाइस, आप लोग को ये वाला चीज़ दिख रहा है कि नहीं, 480 पिक्सल पे कर लेना और जूम कर लेना स्क्रीन को, ओके, देन यू कैन सी इट। दिख रहा है क्या ये? यस, नाउ यू कैन सी इट, देखो मैं भी इसमें देख रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो। व्हाट इज़ गिवेन, फॉर द फॉलोइंग सर्किट द कलेक्टर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी, क्या बोला है, कलेक्टर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम पे आते हैं, फोकस करते हैं डायग्राम, देखो यहाँ पे एरो ऐसा है ना, सो आर डायग्राम इज शोइंग NPN ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर, NPN, अरे ओ शिट, अटक गया क्या, वन सेकेंड गाइज। यस वी आर नाउ लाइव, हम लोग बैक आ चुके हैं, बीच में थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ था। सो व्हाट वी कैन से दैट दिस इज NPN ट्रांजिस्टर, सो इन NPN ट्रांजिस्टर वी नो दैट दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस, दिस इज एमिटर, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट एल्स वी कैन से कि हाँ, व्हाट वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कलेक्टर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम लोग को कलेक्टर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना है। पीछे क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने प्लस माइनस VCE, ये था, ये फाइंड आउट किया जो कि ग्राउंड से मेजर्ड नहीं था, बट हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हमें कलेक्टर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी यहाँ का वोल्टेज विच इज़ वी कैन से कलेक्टर वोल्टेज एंड इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये पूरा कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो, देखो इसको मैं कैसा कंसिडर कर रहा हूँ, सी मैं यहाँ पे प्लस माइनस और इट इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड और इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ VC, ये इस पॉइंट पे क्या नाम दे दे रहा हूँ, VC। सो हम लोग को जनरली फाइंड आउट क्या करना है, फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट VC, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, VC फाइंड आउट करना है। एक मैं इसको बिगर कर दूंगा इस डायग्राम को, डोंट वरी। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है,
दिया क्या क्या है, एमिटर डायोड वोल्टेज इज 0.7 यानी VBE, ये जो दे दिया है ना वैल्यू, ये VBE का दिया है। VBE इज हाउ मच, VBE इज 0.7 इज गिवन। एंड बीटा डीसी ऑफ द ट्रांजिस्टर इज वेरी लार्ज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को दिखा है बीटा डीसी इज वेरी लार्ज, इट मीन्स व्हाट, ध्यान देना, बीटा क्या होता है, बीटा इज आईसी डिवाइड बाय आईबी। टू मेक बीटा वेरी वेरी लार्ज, बीटा को बहुत लार्ज करने के लिए व्हाट वी नीड, वी हैव टू मेक आईबी वेरी वेरी स्मॉल, हमको आईबी बहुत स्मॉल करना पड़ेगा। सो वेरी लार्ज का मतलब यहाँ पे हम लोग को आईबी जीरो लेना, ठीक है, इसका मतलब हमको आईबी कितना लेना है, जीरो, इट मीन्स देर इज नो करंट फ्लोइंग इन द बेस। याद रखना इस डायग्राम में हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आर बीटा डीसी इज वेरी लार्ज, और इस वेरी लार्ज का मतलब ही होता है कि आर आईबी विल बी जीरो, हमारा आईबी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सो याद रखना दिस आईबी इज जीरो, दिस इज व्हाट आर आईसी, यहाँ पे हम लोग आईसी शो कर सकते हैं, और दिस इज व्हाट आर आईई, व्हाट वी कैन शो हियर आईई। नाउ रेस्ट इज इजी, रेस्ट इज़ वेरी इजी, वी बी आपको मिला हुआ है, जस्ट सॉल्व इट, इसका डायग्राम सेपरेटली बनाओ और मुझे बताओ कि इस वी सी का वैल्यू आ क्या रहा है आप लोग का। डू इट फास्ट गाइस, डू इट फास्ट। यहाँ पे देखो एक चीज़ हम लोग को KCL से हम लोग को एक चीज़ मिलेगा हमारे ट्रांजिस्टर के लिए, व्हाट वी कैन शो, देखो आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से प्रोसीड करो, आपका भी वे करेक्ट होगा अगर आपने KVL KCL अच्छे से लगाए तो। डोंट वरी अगर मैं कुछ अलग वे यूज़ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मल्टीपल वे हो सकता है। वॉट वी नो दैट आई सी प्लस आई बी इक्वल्स टू आई ई, बट यहाँ पे आई बी तो जीरो हो गया, सो वॉट वी कैन से आई सी इक्वल्स टू आई ई। देखा आई सी और आई क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो एक और रिलेशन हमको यहाँ से मिल गया, इस रिलेशन का भी आप यूज़ करोगे, जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज़ दिस रिलेशन, ओके। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 3K है, दिस इज़ 1K, दिस इज़ -3 वोल्ट, ठीक है, -3 वोल्ट है, यहाँ पे 1K है, सॉरी यहाँ पे 3K है यार, दिस इज़ 3K एंड दिस इज़ +10। अब तो कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में, डू इट फास्ट, नाउ देर इज़ नथिंग इन द क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर फास्ट, वॉट आंसर आर यू गेटिंग, फटाफट मुझे आंसर बताओ। आज BJT फिनिश्ड है, इसके बाद क्या बचा है, 2 क्वेश्चन और है बस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, इसके बाद देर इज़ नथिंग इन BJT, उसके बाद हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू होएगा, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आई गेस मैं 1 या 2 लेक्चर में फिनिश कर दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स फिनिश्ड। नेटवर्क थ्योरी थोड़ी सी है, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी काम आएगी, उसको हम लोग अपलोडेड वीडियो से आप देख लेना, ठीक है, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। कुछ नहीं बचा है, नेटवर्क थ्योरी का थोड़ा सा टॉपिक बचा है, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, एंड विल नीड मैक्सिमम टू लेक्चर्स। एक ही लेक्चर में वैसे मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगा अच्छे से, अगर नहीं हो पाए तो आई विल टेक नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, मैं दूसरा लेक्चर भी लेगा। वैसे ज़्यादा तो सिलेबस नहीं है डिजिटल का, ज़्यादा सिलेबस नहीं। गॉट इट, क्या आंसर आया, टेल मी फास्ट। वी हैव ओनली 13 मिनट्स गाइज, हमें और 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 7 बजे आई वॉन्ट टू रैप अप दिस सेशन, कुछ नहीं अब इसमें, देर इज़ नथिंग इन हियर, नाउ वी जस्ट हैव टू यूज़ KVL, ऑल टाइम वी हैव टू यूज़ KVL, एंड वी नो दैट IB इज़ जीरो, देर इज़ नथिंग नाउ। 2 सर्किट ले लो, 2 लूप ले लो, ये हो गया पहला लूप, दिस लूप माई इज़ फर्स्ट लूप, ये हो गया दूसरा लूप, दिस इज़ माई लूप 1, दिस इज़ माई लूप 2, फटाफट KVL यूज़ करो, KVL इन लूप 1, लूप 1 में KVL, अच्छा 6.9 आ भी गया, चलो वेरी गुड, नया VC का वैल्यू आ गया 6.9। डों वरी, जितने लोग का आंसर नहीं आया सॉल्व करते रहो, मैं 30 सेकेंड्स आपको और देता हूँ, और 30 सेकेंड्स में मैं सॉल्व कर लूँगा। देखो हम लोग यूज़ करेंगे, सो IB इज़ जीरो, सो हियर विल गेट जीरो, प्लस
अभी भी 0.7 प्लस आई ई इंटू 1 एंड माइनस 3 वोल्ट इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ बेस में हम लोग को माइनस 3 वोल्ट है ना, युविका का 1 वोल्ट आ रहा है। लेट्स सी युविका, डोंट वरी। सो आई ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 0.7 विच इज़ आई इक्वल्स टू 2.3 मिली एम्पियर, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो सारा रेजिस्टेंस किलो ओहम में था। एंड वी कैन से दैट इफ़ आई इज 0.3 मिली एम्पियर देन आई सी विल ऑल्सो भी 2.3 मिली एम्पियर, आई सी का वैल्यू भी यही होगा सेम। नाउ आई एम यूजिंग केवीएल इन लूप 2, अब मैं किस में यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग केवीएल इन लूप 2, केवीएल इन लूप 2। कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में यार, कुछ नहीं बचा है। व्हाट आई कैन से, आई कैन से माइनस 10 प्लस 3 आई सी प्लस वी सी इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट। देखो मैं ये लूप जो सेकेंड लूप मैंने लिया उसमें, सो व्हाट आई कैन से, आई कैन से वी सी वुड बी 10 माइनस 3 आई सी, आई सी कितना है 2.3, और ये किलो हम में था तो मिली और किलो कैंसिल हो जाएगा, विल गेट वी सी इक्वल्स टू 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2.3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 6.9। सो 10 माइनस 6.9 कितना हो गया, किसी का आंसर करेक्ट नहीं आया। वी सी वुड बी हाउ मच इट वुड बी 3.1 वोल्ट। वी सी कितना हो जाएगा 3.1 वोल्ट। फटाफट करने में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है आप लोगों से, करेक्ट है? कुछ डाउट है इसमें? ये क्या 2018 का क्वेश्चन था ना, ये दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ 2018, द आंसर इज 3.1 वोल्ट। मेरे पास बुक भी नहीं है, मैं कैसे चेक करूँ इसका आंसर करेक्ट है कि नहीं। वन सेकेंड आप लोग सॉल्व करो, मैं तब तक वो देख लेता हूँ वेबसाइट पे, किसी ना किसी वेबसाइट पे तो होगा ही। जैम 2018 पेपर, जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं इसका आंसर भी देख लेता हूँ। क्या आप लोग का आंसर क्या आया, टेल मी फास्ट। डाउनलोड हो जा भाई, डाउनलोड होने में इतना टाइम लगा रहा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 51। ओके, और 2018 के पेपर में ना गाइस याद रखना, 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 49 है जिसमें डायोड विद बीजेटी है, वो क्वेश्चन जाके ऑनलाइन आप लोग को पेपर मिल जाएगा, जाके वो क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना, ये सेशन ख़त्म होने के बाद ही, जस्ट ट्राई, गिव ए ट्राई, क्योंकि वो इजीली हो जाएगा। उसमें बीजेटी और ओपैम्प दोनों का, हाँ भाई डाउनलोड कर ले, क्वेश्चन नंबर 51 ना आंसर आ रहा है, यस आंसर का रेंज दिया हुआ है 2.9 से लेके 3.5 वोल्ट का। हाँ टेकिंग लाइव यार, 2.9 से लेके 3.5 वोल्ट तक रेंज दिया हुआ है एंड वी हैव गॉट 3.1 वोल्ट। देखो मैंने बोला था ना, ऐसे बीजेटी के हर क्वेश्चन में ना यू विल गेट अ रेंज, सो डोंट वरी, आपका जो भी आंसर आया रहे। यस 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 आई गॉट द सेम आंसर, वेरी गुड। हाँ नेहा यही बात होता है, फास्ट कैलकुलेशन कभी मत करो। चल लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव करंट गेन ऑफ द रजिस्टर बीटा डी सी इक्वल्स टू 100, बीटा डी सी दिया हुआ है एंड वी हैव टू कैलकुलेट आई सी, वॉट वी हैव टू कैलकुलेट आई सी। नाउ वी नो दैट बीटा इक्वल्स टू आई सी बाय आई बी, वॉट वी कैन से आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी। आवाज़ नहीं आ रही है क्या, लोड हो रहा है मेरे स्क्रीन पे, लोड हो रहा है। अच्छा नहीं, कंटिन्यू हो गया। What we have to calculate आई सी। सो हियर वी कैन से, अगर हम लोग आई बी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें आई सी मिल जाएगा, बिकॉज बीटा इज गिवेन, सो आई कैन राइट आई सी एज 100 आई बी।
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको आई सी नहीं, आपको आई बी कैलकुलेट करना है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा आंसर। वन मोर थिंग इज़ देयर, देखो कैपेसिटर कैपेसिटर एंड वी नो दैट, मैंने पहले ही पेज पे लिखा था जब भी आपको कैपेसिटर मिलेगा सो यू जस्ट हैव टू मेक इट ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब इस वाले का कुछ यूज़ है क्या? कुछ यूज़ ही नहीं है, हटा दो इनको। लो बन गया आपका सर्किट इजी, ख़त्म। नाउ देयर इज़ नथिंग इन दिस क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे धड़ाधड़ सॉल्व होते बीजेडी के क्वेश्चन, पता है? थोड़े से कॉन्सेप्ट है इसके, बस उसको दिमाग में रखो, फटाफट सॉल्व करो। नाउ व्हाट वी कैन से, आई कैन राइट हियर आई ई, हियर आई कैन राइट आई बी बिकॉज इट इज़ अ एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखो तो आई कैन से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे हो जाएगा आई ई। मैं डायरेक्ट शो कर सकता हूँ वाई, बिकॉज ये जो करंट है ये आई सी प्लस आई बी होगा यूजिंग के सी एल। हम लोग ने पहले कर पीछे ऐसे टाइप का एक कॉमन क्वेश्चन देखा है, सो इसमें से आई सी यहाँ पे चला जाएगा, आई बी लेफ्ट साइड चला जाएगा, सो वी कैन से दिस टोटल करंट एज आई ई। मैं इसको क्या शो कर सकता हूँ, आई ई। कुछ बचा है इस क्वेश्चन में? देयर इज नथिंग, जस्ट सॉल्व इट। आई सी आप लोगों को कैलकुलेट करना है यार, और कुछ नहीं, सिर्फ आई सी कैलकुलेट करना है। वी बी नहीं दिया हुआ है, वी बी नहीं दिया हुआ है, तो चलो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, 0.7। जस्ट टेक इट 0.7, इसे सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ रहा है मुझे बता दो। इफ़ आई सी इक्वल्स टू 100 आई बी हम लोग को मिला है, तो मैं ये लिख सकता हूँ आई विल ऑल्सो बी इक्वेलेंट टू 100 आई बी। पीछे हम लोग ने किया ना, सारा का सारा करंट हम लोग को आई बी के टर्म्स में मिल गया है। अब पुट करो वैल्यू और आई बी का वैल्यू निकालो, फिर इस फॉर्मूले में आई बी का वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ज़्यादा हो गया ना ये मगर एक्चुअली व्हेन यू विल यूज़ टू इट, आप जैसे इसके यूज़ टू हो जाओगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा। यू कैन आंसर इट विद इन सेकेंड्स, आपको मुश्किल से 20 सेकेंड, या चलो बहुत ज़्यादा अगर मैं बोल दिया हो तो 40 सेकेंड्स, बस इतना ही टाइम लगेगा। कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। लूप ले लो भाई, आउटपुट ले, मैं आउटपुट लूप लेकर ही इसे सॉल्व कर दूंगा। देखो इसी लूप में मुझे और किसी लूप की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसमें केवीएल यूज़ कर रहा हूँ। यूजिंग केवीएल व्हाट आई कैन राइट, ये दिस इज़ माय +12, ये +12 है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है। सो ये जो मेरा लूप है ये ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? सो आई कैन राइट -12 + 3 आई ई, आई ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 आई बी, फिर +150 आई बी, +0.7, +3 आई, आई को फिर मैं लिख सकता हूँ 100 आई बी अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 0। क्या आ गया हमारा आंसर, 300 300 600, और यहाँ पे 150, तो हो जाएगा 750 आई बी इक्वल्स टू 12 - 0.7 मीन्स 11.3, इट इज़ इक्वल्स टू 11.3। सो आर आई बी विल बी हाउ मच, इट विल बी 11.3 डिवाइड बाई 750। आई सी निकाल लो, हम लोग को दिया हुआ है फॉर्मूला, वी हैव हियर। व्हाट विल बी द आर आई सी, आई सी विल बी 100 मल्टीप्लाई बाई 11.3 डिवाइड बाई 750। बस कुछ बचा क्या इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं। लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज इट हैज़ जीनर डायोड, इसके पास जीनर डायोड है। यहाँ पे R1 R2 नहीं है, यहाँ पे जीनर डायोड है, एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे लिखा क्या है, लेट मी जस्ट रीड इट आउट, अ ट्रांजिस्टर सर्किट, अ ट्रांजिस्टर सर्किट इज़ गिवेन बिलो, द जीनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज इज़ 5.3 वोल्ट। इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 5.3 वोल्ट है। अच्छा ठीक है, रोहन का आंसर आ गया, कितना आया, 1.51। सबका इतना ही आ रहा है क्या, 1.51 ही आ रहा है क्या, सब लोग बताओ मुझे आंसर में। नाउ
इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5.3 है और हम लोग को क्या बोला है, टेक बेस टू एमिटर वोल्टेज ड्रॉप इज 0.6 वोल्ट। इसका मतलब हम लोग को VB यहाँ पे कितना लेने बोला है, VB लेने बोला है 0.6 वोल्ट। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट गेन B, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड बीटा। बीटा इज वॉट, इट इज़ IC डिवाइड बाई IB एंड वी हैव टू फाइंड इट। हमको बीटा फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, बीटा। नाउ इस डायग्राम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिगर बना देता हूँ। हियर व्हाट वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आर ट्रांजिस्टर विच इज़ NPN, ऑब्वियसली यहाँ पे डायग्राम से देखकर हम बता सकते हैं, एंड इट इज़ प्लस 10 वोल्ट। एंड हियर वी हैव दिस 4.7K। देखो दोनों का जो पॉइंट है यहाँ पे सेम है, तो मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहा हूँ, अलग लिख ले रहा हूँ। हियर इट इज़ कनेक्टेड टू बेस एंड हियर वी हैव 1 जीनर डायोड। हमारे पास क्या है, एक जीनर डायोड है एंड हियर इट इज़ कनेक्टेड टू 470 ओहम एंड अगेन ग्राउंड। तो हमारा जो जीनर डायोड है वो ऐसे कनेक्टेड है ग्राउंड से, देखो डायरेक्टली। एंड हियर वी हैव 220 ओहम, हियर वी हैव 4.7K। अब सब ओहम में है तो इसको भी मैं ओहम में लिख ले रहा हूँ, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, 4700 ओहम, क्योंकि ये भी ओहम में ये भी ओहम में, तो आई शुड राइट ओहम। और लेट अस जस्ट टेक इट इज़ 4.7K, अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, प्लस 10 वोल्ट। आप लोगों को क्या दिया है, देखो इन दिस डायग्राम इफ यू विल सी, आप लोगों को क्या दिखा रहा है कि जो करंट का डायरेक्शन है वो N टू P है। करंट का डायरेक्शन कैसा है, N टू P है। और हमने जीनर डायोड में पढ़ा था, वेन एवर वी हैव करंट इन जीनर डायोड मूविंग फ्रॉम N टू P, सो वी ऑलवेज कंसिडर द जीनर डायोड वर्किंग इन ब्रेकडाउन रीजन। और ब्रेकडाउन रीजन में हम इक्विवेलेंट सर्किट क्या शो करते हैं, हम PN को क्या करते हैं, पलट देते हैं। वॉट वी डू, वी जस्ट रिवर्स द पोलैरिटी। सो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल। और इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 5.3, सो आई कैन राइट इट एज 5.3 वोल्ट। बट यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमको वैल्यू पे दे दिया है, विच इज़ 0.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हम करंट को डायरेक्ट लिखेंगे, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू कैलकुलेट हियर द करंट, हियर वी नो द करंट इज ऑलरेडी गिवेन एंड इट इज़ 0.5 मिली एम्पियर। ये पहले से करंट दिया हुआ है और अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन वी कैन से दैट आर डायोड इज़ वर्किंग इन ब्रेकडाउन रीजन, एंड दैट्स वाई मैंने उसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया है। जितने लोगों ने मेरा वो, अच्छा तितली का भी आंसर करेक्ट है, चलो फिर, जो जितने लोग ने भी मेरा सारा सेशन अटेंड किया उनको पता होगा कि जीनर डायोड का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे पुट करते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर। दिस इज़ माय VB विच इज़ 0.6 वोल्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, KVL के से यूज़ करना है बस। बट यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग कर देते हैं, दिस विल बी आर IC, ये करंट कितना हो जाएगा, IC हो जाएगा। दिस करंट विल बी IE, यस। अब यहाँ पे हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस है। बहुत अगर किसी के मन में ऐसा होगा यार थेवेनिन्स वाला लग रहा है, बट वो ये नहीं है, इट इज़ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, सॉरी गाइस। नाउ व्हाट वी नीड, वी हैव टू फाइंड, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, इन दिस सर्किट देर इज़ सम करंट विच इज़ फ्लोइंग हियर इन 4.7, और इसमें से कुछ करंट चला गया यहाँ पे, कुछ करंट चला गया बेस में, तो उसको हम लोग ने IB नाम दे दिया। सो एट दिस जंक्शन व्हाट वी कैन से, KCL शुड बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन से, दिस करंट विल बी, हाउ मच इट विल बी, IB प्लस 0.5 मिली एम। व्हाट वी कैन से, IB प्लस 0.5 मिली एम्पियर, गॉट इट। यहाँ पे जो करंट है कितना हो जाएगा, IB प्लस 0.5 मिली एम्पियर। इसमें से 0.5 मिली एम्पियर चला गया डाउनवर्ड और IB चला गया राइटवर्ड। सो अकॉर्डिंग टू KCL वी कैन शो दैट कि आपके 4.7 में इतना करंट फ्लो हो रहा है। नाउ रेस्ट इज़ वेरी इजी, यू हैव टू फाइंड IC डिवाइड बाय IB। व्हाट यू हैव टू फाइंड, IC डिवाइड बाय IB। अगेन व्हाट वी कैन से, इन ट्रांजिस्टर वी नो दैट IC प्लस IB इक्वल्स टू IE। हमको रेशियो क्या चाहिए, ये वाला रेशियो चाहिए, तो मैं IB से हर जगह डिवाइड कर दे रहा हूँ। सी दिस विल बी, हाउ मच दिस विल बी, 1। मेरा IC डिवाइड बाय IB क्या हो जाएगा, IC डिवाइड बाय IB वुड बी IE बाय IB माइनस 1।
सो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, IE/IB का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है, IE/IB का वैल्यू फाइंड आउट कर लो एंड उसमें से -1 कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा। और यू कैन फाइंड IC/IB सेपरेटली, डिवाइड इट, यू विल गेट द वैल्यू बीटा। चलो बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। देर आर टू वेज यू कैन डू इट, आई हैव शोन दैट टू वेज। सो बीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज IE/IB-1। सो दोनों में से कोई भी एक वे यूज़ करके टेल मी द आंसर। अब ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, कुछ डाउट है इसमें तो प्लीज़ मुझे बताओ। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। क्लोज लूप ढूंढो, कहाँ कहाँ क्लोज लूप मिल रहा है, जस्ट फाइंड द क्लोज लूप गाइज। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको बस क्लोज लूप फाइंड आउट करना है। Do it guys fast. देखो मैं बताता हूँ, आप ये लूप ले लो, दिस लूप, क्योंकि देखो आपका ये वाला जो टर्मिनल है ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इसको सेपरेटली हम ऐसे शो कर सकते हैं कि नहीं। कैन वी शो दिस एज लाइक दिस और नॉट, हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं ना, दिस इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड। अगेन ये जो +10 वोल्ट है ये भी तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, वी कैन शो दिस लाइक दिस, दिस इज़ माई 10 वोल्ट। सो यू हैव टू लूप्स, आप ये लूप यूज़ करो, दिस इज़ 1 लूप और दिस इज़ 2nd लूप, आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वी जस्ट नीड अ क्लोज लूप फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। तो आप ग्राउंड टू ग्राउंड कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको IE/IB सेपरेटली मिल जाएगा, IE/IB इसको यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा। मुझे फटाफट बताओ बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है आप लोग का, टेल मी फास्ट गाइस, टेल मी फास्ट, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग। अब तो कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिंप्लीफाई अ सर्किट, आपको ये खुद से आना चाहिए कि सर्किट सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है। चलो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, नाउ देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं बचा, आपका पूरा BJT फिनिश हो चुका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाके ट्राई कर लो, और मैंने क्या बताया 2018 का जैम 2018, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे मेरे आँख से वो मिस हो गया, वरना उस क्वेश्चन को मैं यहीं पे करवा देता। जैम 2018 में क्वेश्चन नंबर 49 जो BJT+ OPAMP है उसको ज़रूर अटेंड करना, जेस्ट और टीफर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। टेल मी द आंसर गाइस, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फास्ट। दो लूप मिल चुका है, दो कांस्टेंट है, दो इक्वेशन मिलेगा, दो कांस्टेंट है, आंसर आ जाएगा, जस्ट डिवाइड इट एंड यू विल सब्ट्रैक्ट 1, यू विल गेट बीटा एंड आई गेस इसका आंसर 19 आता है, इसका आंसर ना 19 आएगा, एग्जैक्ट 19 आएगा, एग्जैक्ट। फर्स्ट गाइस वी जस्ट हैव, ओ वी हैव एक्सीड द लिमिट, 7 के ऊपर हो गया है। आंसर आया किसी का 19, BJT इज ओवर, देर इज नथिंग नाउ। जितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते थे मैंने सब बता दिया। क्वेश्चन नंबर 49 अटेंड कर लेना प्लीज़, जाके गूगल पे उसका पेपर, क्वेश्चन पेपर लेना, उसके क्वेश्चन को अटेंड करना खुद से। OPAMP का जो भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है, सर्किट्स कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना उसे प्लीज़, क्योंकि वही एक क्वेश्चन रह गया है, बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए। कितना आंसर, 19 आंसर आ रहे कि नहीं, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट गाइस, आज कौन सा डे है, इट इज़ वेनेसडे। इस वीक में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट दोनों फिनिश हो जाएगा,
और हम लोग फिर नेक्स्ट वीक से मैग्नेटोस्टैट और एमपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टेल मी फास्ट, क्या कर रहे हो? कुछ बचा ही नहीं अभी इस इक्वेशन में। आप एक चीज़ कर सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए, पता है क्या, आप इसको ना किलो ओम्स में ले लो, किलो ओम्स में ले लो, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। किलो ओम्स में लिख लो, या तो करंट को एम्पियर में ले लेना, कन्वर्जन करना है इसमें, बस कन्वर्जन के टाइम पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसे सॉल्व करना है, इसका आंसर ग्रुप में भेजना, ओके? चलो रुक जाते हैं, 2 मिनट और मैं रुक रहा हूँ, बस ओनली 2 मिनट्स। जिसका सॉल्व होगा मुझे प्लीज़ बताना आंसर क्या है। जैसे पता चल गया बहुत लोगों को कि ये लास्ट क्वेश्चन है, लोगों ने तो चैट छोड़ के चले भी गए कई लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीरियसनेस है आप लोग का अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। गाइस अब बैठा नहीं जा रहा, फटाफट बोलो। लकड़ी की सीट पे कंटिन्यूस बैठे 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 पेन होने लग रहा है। किसी का आंसर नहीं आया, कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार। मैं सॉल्व करूं क्या? शुड आई ट्राई? नहीं, एक तो आप लोग ट्राई करो, सब तो मैंने ट्राई किया, इसमें तो भी सब बता दिया। इसका आंसर मुझे ना ग्रुप में भेजो, चलो जितने भी लोग हो, मुझे पता है मैंने नाम देखा है, बहुत सारे लोग, 7-8 लोग ही है, बहुत नहीं, 7-8 पीपल हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अभी पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक कंटिन्यूस मेरे इस सेशन को उन्होंने देखा है। मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ, क्योंकि घर का भी काम चालू होने वाला है, तो 7:00 वैसे ही क्रॉस हो चुका है। जस्ट सॉल्व इट एंड सेंड योर सोल्यूशन इन द ग्रुप फास्ट। नहीं सुरेश, 1.76 नहीं आएगा, 19 आएगा, मैंने पहले बता दिया था। चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। कल फिर हम लोग आएंगे, और कल हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करने वाले हैं, ठीक है? नैंड, और गेट, 10 जो हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ है। बाय बाय एवरीवन, कल प्लीज़ कल भी अटेंड करना। 0.96 आ रहा है, नहीं ट्राई करो अपना सोल्यूशन। बीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1, नेहा, बीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1, हाउ कैन इट बी 0.96? वो तो हो ही नहीं सकता ऐसा, आपका आंसर तो डायरेक्ट रॉन्ग है। चलो बाय बाय, सॉल्व करके मुझे ग्रुप में भेजो, ट्राई करते रहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।